प्रकाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी सिंह साहब, सिंह जी, जी आप प्लीज कॉन्सेप्ट बताइएगा साथियों को। जी स्टार्ट। धन्यवाद सभी साथियों को, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ पर हमारे सभी साथी लगभग 5 माह से इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से जुड़ने की और जानने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। भारत में 70 सालों में हमने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन जो हमारा इतिहास हमें बताता है कि हम इस देश के शासक थे, वहां से जब हमसे हमारी इस देश में जो पहचान थी उसको छीना गया, और निरंतर भारत में ऐसी चीजों को स्थापित किया गया जिसके आधार पर वर्तमान में भी जो समण समाज है उसको एक इंसान के रूप में जीने का भी अधिकार अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों ने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा, समझा और ये देखा कि जो यहाँ विचारधारा स्थापित है भारत में, उस विचारधारा में जो लोगों को व्यवस्था के रूप में, वर्ण व्यवस्था के रूप में बांटा हुआ है, उसमें जो भी समण समाज है उनको एक ऐसे व्यवस्था में रखा गया है कि उनको इंसानों के रूप में भी नहीं पहचान दी गई। तो इसको लेकर के हमारे जितने महापुरुषों ने अपना बलिदान भी दिया, त्याग किया, हमें बहुत सारी चीजें बताई, उस रास्ते पे हमारे बहुत सारे महापुरुष चले जिससे हमारे जीवन स्तर में निरंतर सुधार होता रहा। लेकिन जैसे ही इस देश से जो अंग्रेज गए और 1950 में संविधान लागू हुआ, उस संविधान लागू होने के बाद में जो बाबा साहब ने जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे लिए संविधान में दी, उनके आधार पर हमारा समाज उनके बल पर उन अधिकारों को प्राप्त करके अपने जीवन में स्तर में सुधार किया, आगे बढ़ा। लेकिन निरंतर देखने में आया कि जो बाबा साहब का आदेश था संगठित रहो, उसकी अवधारणा को पूरा करने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे साथी, बहुत सारे सक्रिय लोग जो ये कह करके आए कि हम भारत में अगर जीने का वास्तविक अधिकार चाहते हैं तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत प्रकार के हमारे पास सामाजिक और राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो आए। उन्होंने जैसा जैसा कहा उस हर बात को हमने मानने की कोशिश की, जहां जहां उन्होंने बुलाया वहां जाने की कोशिश की, जैसे जैसे उन्होंने सहयोग मांगा वैसे वैसे सहयोग देने की कोशिश की। लेकिन निरंतर जब हम 70 सालों का इतिहास देखते हैं भारत का, तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से समाज को जागृत करने की कोशिश की संगठनों के माध्यम से, बाकी और बहुत सारे माध्यमों से, लेकिन निरंतर देखने में आया कि जैसे जैसे उनके कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो वहां से जो डिवाइडेशन शुरू हुआ, मिशन एक था, तस्वीर एक थी, हमारे महापुरुषों की जो पिक्चर्स कॉमन थी, उनके बताए गए रास्ते कॉमन थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में हमारे नेता संगठनों के रूप में 1, 2, 4, 10, 20, 50, 1000, 10,000, 1,00,000, यहां तक कि 28 अगस्त को जो नागपुर में सभी संगठनों को बुला करके चर्चा परिचर्चा हुई कि कैसे इकट्ठा हो, वहां ये फिगर निकल के आया कि भारत में जो समण संघ के संगठनों की संख्या है वो 28,00,000 है। पहले हम लोग भी 40,000 शायद मानते थे, डाटा बताते थे,
लेकिन उस दिन ये हद हो गई, हम लोग ये समझ नहीं पाए कि हमने इतने सारे जो संगठनों में अपने समाज को बांटा वो कुछ अर्जित करने के लिए बांटा है, या जो व्यवस्थाएं हमारे ऊपर लागू थी उन व्यवस्थाओं को और निरंतर कई हजार सालों तक भारत में स्थापित करने के लिए बांटा। ये एक डिस्कशन हुआ जो भी विदा पीपल की आइडियोलॉजी को दिमाग में रखकर चल रहे थे सभी साथी, उन्होंने जब इसको पोर्टल के माध्यम से शुरू किया, कुछ लिमिटेड साथियों ने इसको शुरू किया और ये कारवां बढ़कर के आज यहां पर आया। तो विदा पीपल ने एहसास किया कि हमने कभी कसर नहीं छोड़ी उनके रास्तों को, जो बताए रास्ते उन पर चलने की। उन्होंने जहां सहयोग मांगा वहां दिया, जहां शारीरिक सहयोग मांगा वहां शारीरिक सहयोग दिया। इसके बाद भी जो हमारे दुश्मनों ने हमें 6743 जातियों में बांटा, और जैसे हम निरंतर देखते चले आ रहे हैं, हमारे अपने ही समाज के चिंतक लोगों ने, जिनको हम ये कहते हैं कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा दिखाई है 70 सालों में, उन्होंने हमें किस प्रकार से कैसे 28 लाख टुकड़ों में बांट दिया, तब ये हमें आंख खुली कि शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि बाबा साहब के मिशन के साथ धोखा कर रहे हैं। तब बहुत सारे साथियों ने, जब रास्ते सब बंद हो गए, किसी भी रूप में ऐसा नहीं लगा कि कोई भी भारत में समण समाज की कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संगठन ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जिससे हमारे आम लोगों के जीवन में जो चीजें स्थापित हो जानी चाहिए थी, जो संकल्पना बाबा साहब ने संविधान में निश्चित की थी, जो लिख करके दिया था, जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। तब जन्म हुआ विदा पीपल का, हम भारत के लोग, जो बाबा साहब ने पहली लाइन प्रियम्बल में लिखी, जिसमें जितने शब्द निहित किए उन शब्दों पर आस्था रखने वाले लोग, उन शब्दों में विश्वास रखने वाले लोग निरंतर विदा पीपल से जुड़ते चले गए, और जुड़ते जुड़ते उन सबको ये एहसास होने लगा कि वास्तव में अगर कोई रास्ता बचा है तो ना कोई संगठन हमें बचा सकता है, ना कोई राजनीतिक पार्टी हमें बचा सकती है, और अगर बचा सकता है तो हमें एक ही किताब है, एक ही पुस्तक है जो बाबा साहब ने लिखी, जिसमें इस देश के लिए विकास के रास्ते खोले। लेकिन वो किताब, उस किताब पर चलने के जो भी तरीके थे वो हमारे हाथों में नहीं रहे, जबकि होने चाहिए थे, क्योंकि जो भी लोकतंत्र स्थापित है संविधान के द्वारा भारत में, उसमें सबसे बड़ा अधिकार जो है वो विदा पीपल का है। लेकिन विदा पीपल का भी समझ नहीं पाया उस चीज को कि मेरा ये भी अधिकार है कि मैं जब चाहूं तब अपने अधिकार के लिए जहां चाहूं वहां प्राप्त कर सकता हूं। तब निरंतर हम लोग लगातार 5 माह से जितने भी भारत के विभिन्न कोनों से, भारत ही नहीं बल्कि देश के और विदेश के दूसरे कोनों से, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, जिन्होंने अपने जीवन में जहां भी रहे वहां पर योगदान दिया, उन सब ने ये तय किया कि अब इससे आगे नहीं। अगर संगठन, समस्त संगठन हमारे साथ इकट्ठा होकर नहीं आते, सारी पार्टियां हमारे साथ इकट्ठे होके नहीं आती हैं, अगर वो एक साथ नहीं आते हैं, बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, उस पर चलने के लिए अगर वो इकट्ठा नहीं हो सकते, तो विदा पीपल अब उनका वेट नहीं करेगा। उनको शुरू में हमने 1 महीने कहा कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए, आप एक साथ आइए, आप बताइए कौन सा रास्ता है भारत में अब विदा पीपल की जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं उनके निराकरण करने का, उनको दूर करने का। उन्होंने हमारी बात को शायद सुना, अनसुना किया प्रथम दृष्टया, प्रथम समय में, लेकिन जैसे ही विदा पीपल की स्ट्रेंथ बढ़ी, जैसे ही हमारे बीच में ऐसे लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ने शुरू हुए, यहां पर एक से एक काबिल जो साथी हमारे बीच में आए, जिन्होंने विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया, अंदर तक समझा, और समझने के बाद में वो पूरी तरह से 100% प्राइम ऑब्जेक्ट के रूप में विदा पीपल को लेने लगे, तब भारत के विभिन्न कोनों से ये खबरें आई, ये समाचार आए, ये दिखने में आया कि अब उन सब ने, जिनको हमने पहले कहा था आप इकट्ठा हो जाइए, अब वो सब इकट्ठा होने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन वो केवल जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
वो जितने भी संगठन हैं उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति ये चाहता है सब मेरे साथ आगे इकट्ठा हो, उनकी अपनी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदा पीपल को भारत में उस अधिकार तक नहीं लेके गए जो अधिकार 70 सालों में मिल जाने चाहिए थे। तब आज हम सभी साथियों का प्रथम उद्देश्य बन जाता है कि इस कॉन्सेप्ट में जितनी चीजें निहित हैं, क्योंकि विदा पीपल में हम सभी पूरा समाज, मूल निवासी समाज, समण समाज एक संघ के रूप में स्थापित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जुड़ रहा है और निरंतर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये विदा पीपल मानता है कि अगर हम जुड़ जाएंगे तो शायद जो आज की परिस्थिति है उसको बदल देंगे, हम अपने आप को भी बचा लेंगे, अपने बच्चों को भी बचा लेंगे और इस देश में जितनी सारी ताकतें ऐसी इकट्ठा हुई हैं जो उस व्यवस्था को, जो मनुस्मृति को या वर्ण व्यवस्था को इनडायरेक्टली हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, जिससे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जितनी भी टैलेंट्स हैं उनको पीछे किया जा रहा है, इन सब को सोचते हुए हम सब अपना जीवन लगाने को इसमें तैयार हो गए और निरंतर हम इस विषय में रोज चर्चा करते हैं, नए साथियों को बुलाते हैं, उनके सामने कॉन्सेप्ट बताते हैं और ये भी एक सामने चैलेंज हम रखते हैं। कोई भी नए साथी आते हैं, कोई भी संगठन चलाने वाले, कोई भी पार्टी चलाने वाले, क्योंकि विदा पीपल सभी को आमंत्रित करता है, विदा पीपल में सभी लोग आते हैं, पूरा संघ आता है, कोई व्यक्ति इससे बचता नहीं है। तो एक विदा पीपल के साथ में हम सभी लोग एक प्रस्ताव ये और रखते हैं कि हमारे सामने केवल और केवल विदा पीपल एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हम भारत में संविधान को बचा भी सकते हैं, संविधान को स्थापित भी कर सकते हैं और इस देश में संविधान को लागू भी कर सकते हैं, तो तभी कर सकते हैं जब हम विदा पीपल ये ठान लें, ये मान लें कि हम इकट्ठा होना है, एक साथ आना है और एक साथ आकर के ये ताकत पहचाननी है विदा पीपल की कि विदा पीपल है क्या वास्तव में। ये सारी जितनी भी बाबा साहब ने संस्थाएं जो भी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ाई थी, जो लिख करके दिया था, वो सब विदा पीपल के वेलफेयर के लिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर हमें सोचना पड़ा और सोचने के बाद में हम निरंतर इस प्रयास में सभी साथी हैं कि अब हमें वो सारी चीजें भारत में पुनः स्थापित करनी है जिनको पूर्व में स्थापित हो जाना चाहिए था। और इसके लिए पूरा का पूरा जितने भी साथी हमारे रोज जुड़ते हैं वो चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, जितने नए साथी हमारे यहाँ पर आते हैं उनको विदा पीपल के कॉन्सेप्ट के विषय में निरंतर बताया जाता है हमारे साथियों के द्वारा। और एक प्रस्ताव ये और रखा जाता है उनके सामने, अगर आपको कोई ऐसा रास्ता लगता है कि जो विदा पीपल से ज्यादा अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम इस देश में संविधान को स्थापित करने में सफलता हासिल कर सकते हैं या विदा पीपल के अधिकारों को बचा सकते हैं, तो उन साथियों से खुला आमंत्रण रहता है कि वो यहाँ पर मेन पोर्टल पर आकर के प्रस्ताव को रखें। अगर उनका प्रस्ताव पूरे विदा पीपल समझता है कि वो प्रस्ताव विदा पीपल से ज्यादा अच्छा प्रस्ताव है, उस पर चल करके हम जल्दी से आसानी से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ विदा पीपल ने नहीं सोचा है कि विदा पीपल अपने इस कॉन्सेप्ट पर टिका रहेगा। लेकिन जब तक कोई भी साथी, 5 महीने हमें कोई ऐसा साथी दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा विद्वान साथी हमारे बीच में नहीं आया जो ये रास्ता बता सके कि भारत में अब जो समस्याएं विदा पीपल की बढ़ गई हैं और विदा पीपल को विदा पीपल के रूप में ना समझ के एक भीड़ तंत्र के रूप में समझा जाता है और उनको जिस तरह से वो चाहते हैं वैसे उसका उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विदा पीपल अपनी स्ट्रेंथ अब समझ गया है और विदा पीपल ने ये कोशिश करी है, शुरू कर दिया है कि हमें जो विचारधारा में मिला, जो इस देश के शासन सत्ता हमारे हाथ में थी जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब से अब तक हमारे महापुरुषों ने जितना कुछ किया उन सब के बलिदान और त्याग को वापस हासिल करने के लिए और उनके जितने भी विचार थे उनको एग्जिस्ट करने के लिए, विदा पीपल को वास्तव में उन सब अधिकारों तक ले जाने के लिए कि जो उसको वास्तव में मिलने चाहिए, उन सब के लिए हम सभी लोग रोज प्रण करते हैं। यहाँ पर 8 बजे से 12 बजे तक हम सभी साथी जुटते हैं, बात एक दूसरे की सुनते हैं, बात करते हैं, जो भी नए साथी आते हैं उनके प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो निरंतर जुड़ने का प्रयास करते हैं और अगर मान लीजिए कुछ साथी ऐसे हैं कि जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो उनको हमारे बहुत सारे साथी फोन पर जो है उनसे वार्ता करते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहा है, चलेगा और चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ में जो एक मुहिम है
वी द पीपल, एक लाइन में जुड़ो और जोड़ो। इस प्रक्रिया में हमने जो जुड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया उसमें जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिणाम हमारे सामने दिखे, जो भारत में हम सेम प्रकार के लोग थे, क्योंकि हमने आइसोलेट किया लगभग 17 से 18 प्रकार के लोग हमारे समाज में मिनिमम काम करते हैं, तो उनको पूरे भारत में एक साथ जुड़ना था, पूरे इंटरनेशनल में एक साथ जुड़ना था। तो उन्होंने जब जुड़ने का प्रयास किया तो इस तरह के क्रांतिकारी कार्यक्रम हमारे सामने आए, जो 1.5 वर्ष के प्रयास में जो लॉकडाउन की स्थितियां रही, जो हमारे लोगों को इलाज नहीं मिला, जो हमारे लोगों को जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके लिए आगे आकर के हमारे जितने डॉक्टर्स साथी जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं, उन सब ने पिछले 1 माह से भी ज्यादा समय से एक ओपीडी लगाना शुरू कर दिया है जूम ऐप के माध्यम से, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी अपने घर बैठे एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट साथियों से राय ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और निरंतर ये अभियान चल रहा है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साथी इसमें जो है प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जितने इंजीनियर्स साथी आपस में मिले हैं, वो पूरे भारत में अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और कनेक्ट करने के बाद में वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम भारत में जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे वी द पीपल के साथ कहां खड़े हो सकते हैं, वी द पीपल के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो ये मानते हैं जितना भी तंत्र है, जितना भी रिजर्वेशन के बल पर उन सभी को जो नौकरियां मिली हैं, जो भी उन्हें आज उनका खाता खुला है उसमें पैसा आता हर महीने, वो ये समझते हैं कि जो बाबा साहब ने वो अकाउंट खुलवाया था उसमें जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, और ये निर्धारित किया था कि वो जो पैसा हमें मिलता है, वो जो सम्मान हमें मिलता है, वो जो पद हमें मिलते हैं, उस पद पे केवल और केवल हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, हमारे केवल परिवार का अधिकार नहीं है, बल्कि वास्तव में उस जो वी द पीपल है, वो जो हमारी ऐसी आबादी है जिसको आज तक अधिकार वंचित रखा गया है, उनका उस पर जो है वो 5% ही नहीं, उससे ज्यादा भी अधिकार है। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अपने जीवन में से समय, पैसा और निरंतर अपना योगदान उस विषय में लगा रहे हैं, तब जाके आज हम यहाँ पर वी द पीपल के रूप में इकट्ठा होने में जो है वो सफल हो पाए हैं। और अब ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है इस कारवां को कहीं भी ऐसा लगे कोई शिथिलता आए, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन जो जोड़ने का, कनेक्ट करने का जो कारवा है वो आगे बढ़ा दिया है। अब जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो नित्य प्रति अपने आपस में साथियों से बात करते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। और भारत में मान लिया गया, प्रथम बार भारत में माना गया 70 सालों में, कि जोड़ना भी कोई कार्य है, क्योंकि इसे आज तक हमने कार्य नहीं समझा गया, बल्कि लोगों ने जोड़ा और जोड़ने के बाद में उन्हें अपने कुछ निजी उद्देश्यों के लिए, कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उन्हें भीड़ के रूप में जो समझाया गया, जो बताया गया, जो उन्होंने माना, उससे जो परिणाम हासिल हुए, उन परिणामों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। कुछ चीजें हमारे साथी कहते हैं कि भी हमें जितने भी नेता हमारे रहे हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उनके योगदान को हम नहीं भुला सकते, लेकिन उनके साथ में ये भी हम नहीं बुला सकते कि उनके देखते देखते, उनके नजरों के सामने, उनके काम करते करते, उनके इतने टुकड़े हो गए कि वो आपस में अब कभी भी इकट्ठा होने किसी भी प्रकरण पर, किसी भी डेट में, किसी भी ओकेजन पर, किसी भी दिवस पर वो अपने आप को इकट्ठा होने की कोशिश में नहीं ला पाए। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने, मीन्स वी द पीपल ने आगे बढ़े, उसी प्रकार से 100 संगठन आपस में इकट्ठा होकर के नागपुर में एक साथ उन्होंने अपना आए हैं, और उन्होंने डिक्लेयर किया हम और संगठनों को भी जोड़ेंगे। क्योंकि वी द पीपल कभी भी कोई भी ना तो राजनीति में कहीं जा रहा है, ना समाज में कोई किसी तरह के लीडरशिप कर रहा है, वी द पीपल केवल अपने आप को जोड़ रहा है अपने अधिकारों को मांगने के लिए हर उस व्यक्ति से जो संविधान के बल पर किसी भी पद पर कार्य करता है। तो वी द पीपल उससे चाहता है कि जो संविधान में निहित चीजें हैं वो वी द पीपल पर तक कैसे मिले, सिर्फ इसलिए जुड़ रहा है। और जिस दिन वी द पीपल जुड़ जाएगा, उस दिन हमें जो बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष जो एक नारा दिया था, वो संघर्ष यही था, अगर हम जुड़ जाते हैं और हम इकट्ठा हो जाते हैं तो संविधान ये कहता है कि सारे अधिकार वी द पीपल को उसी दिन मिल जाएंगे, एक ऑर्डिनेंस में जितने भी अधिकार अब तक वापस लिए गए हैं उनको द्वारा से दे दिया जाएगा। तो ये वी द पीपल की परिकल्पना है, वी द पीपल का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जिस जिस व्यक्ति ने समझ लिया है वो अपना कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बीच में देखा जा रहा है कुछ साथी
जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर के वीदा पीपल में आते हैं और वो उनकी वीदा पीपल में कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वीदा पीपल में कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। वीदा पीपल ने मान लिया है कि अब कोई भी एक्सट्रीम वर्जन व्यक्ति के दिमाग का भारत में स्थापित नहीं होगा। अब व्यक्तियों का जो वीदा पीपल का जो एक कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव जो प्रयास है, वही भारत में अब सफल होंगे। अब किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को ऐसी विचारधारा को ओढ़ करके जिसको बताता आपके हित के लिए है लेकिन वास्तव में उसका परिणाम निकलता है वो अहित में जाती है, वीदा पीपल का उसमें हित नहीं होता है, उन सबको समझ करके अब वीदा पीपल ने तय कर लिया है कि अब वीदा पीपल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं शक्तियों को, उन्हीं चीजों में विश्वास करेगा जो उसके लिए वास्तव में होंगी। क्योंकि हम अब कभी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे, व्यक्ति पे विश्वास करके 70 सालों में हमने 28 लाख टुकड़ों में बांट चुके हैं। तो इसलिए अब सभी संगठनों से भी अनुरोध लगातार किया जाता है और जितने भी हमारे राजनीतिज्ञ लोग हमारे ऊपर राजनीति करते हैं उन सबसे भी ये अनुरोध किया जाता है बुला करके महीने में एक या दो बार कि आप अगर इकट्ठा होकर के नहीं आएंगे तो फिर विद पीपल आपके साथ नहीं रहेगा, ये क्लियर कट है। और इकट्ठा होकर आप आते हैं जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसके बल पर, जो किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी थी भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा, भोजन ये उपलब्ध कराने की, जिसमें से आज हम देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसकी आमदनी 50-60-70 हजार रुपए होती है, वो पूरे साल की आमदनी का लगभग 90% या उससे ज्यादा पैसा अपना, अपनी चिकित्सा, अपनी शिक्षा, बच्चों की, दो बच्चों की शिक्षा, एक मकान बनाने में खर्च कर दे रहा है। तो जो स्टेट की जिम्मेदारी थी, जो देश की जिम्मेदारी थी, जो देश के संविधान में निहित है, अगर वो वीदा पीपल को मिलती रहती तो शायद ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीदा पीपल अपने आप को विकास करने में और देश के विकास में लगा सकता था। लेकिन आज वीदा पीपल अपनी जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में, रोजाना उनकी भागदौड़ में, उससे देश बहुत पीछे छूट गया। तो आज वीदा पीपल ने महसूस कर लिया है कि इस देश में वीदा पीपल को खड़े होना होगा और खड़े होकर के अब वीदा पीपल ये सवाल करेगा हर उस व्यक्ति से जो भी उसके सामने आएगा कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, हम आपके लिए वो करना चाहते हैं, हम आपको ये देना चाहते हैं। अब वीदा पीपल मांगेगा नहीं, बल्कि वीदा पीपल जो है वो अपने अधिकारों को इकट्ठा करने मांगने के लिए, उनको लेने के लिए, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार लिख करके दिए हैं, उन अधिकारों को पाने के लिए वीदा पीपल केवल और केवल इकट्ठा होगा, अपने आप को एकत्रित करेगा और एकत्रित करने के बाद हर उस व्यक्ति सवाल पूछेगा जो भी उसके पास ये कहने आएगा कि मैं आपका नेता हूं, मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए वो करने जा रहा हूं। अब कोई व्यक्ति व्यक्ति का सवाल नहीं करेगा। अब हर जनपद में कम से कम हमारे 17 प्रकार के लोगों की संख्या, उसको इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि हर जनपद में जो भी जनप्रतिनिधि बनके हमारे बीच में आएगा, जो भी हमारे समाज में समाज का नेता बन जाएगा, हमें उससे सामूहिक रूप में पूछना पड़ेगा कि अगर आप समाज में वीदा पीपल के लिए काम करना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी बताइए, अपना तरीका बताइए और आप ये बताइए कि वीदा पीपल के लिए आप कैसे क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब वीदा पीपल किसी भी प्रकार से, किसी भी आवेग में, आवेश में, या किसी भी किसी व्यवस्था में, या किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, या किसी भी व्यक्ति के नाम पर, किसी रिश्तेदारी के नाम पर, अब वीदा पीपल कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि वीदा पीपल ने अब इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। तो यही वीदा पीपल का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे रोजाना हम 4-5 घंटे इस पोर्टल पर अब अपनी बात को बताते हैं, दूसरों की बात को सुनते हैं और सभी जब आपस में एक दूसरे को समझते हैं तो यहाँ पर सभी साथी जो वीदा पीपल को अपना प्राइम ऑब्जेक्ट समझने को तैयार हो गए हैं तो अपने नित्य कार्यों के अलावा जितना भी समय वो वीदा पीपल को देने को तैयार होते हैं वो यहाँ पर घोषणा करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध किया जाता है जो भी वीदा पीपल में सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपना नंबर और अपना नाम छोड़ सकते हैं, उनको हमारे साथी निरंतर कॉल करते रहेंगे। और जिस प्रकार से वीदा पीपल में कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं होगा, क्योंकि हम वीदा पीपल ये विश्वास करता है कि भारत का संविधान हमारा नेता है। मींस जिस प्रकार से संविधान ने आज तक देश को चलाया है उसी प्रकार से वीदा पीपल ने आस्था व्यक्त की है, 100% आस्था संविधान में व्यक्त की है। तो संविधान जो भी रास्ता हमें बताएगा उस रास्ते पर हम निरंतर 5 महीने से चल रहे हैं और भारत के इतिहास में शायद पहला ये मीटिंग, जूम मीटिंग ऑनलाइन निरंतर हो रही है जिसमें रोजाना मीटिंग होती है, एक भी दिन की कोई छुट्टी नहीं होती। आम पोर्टल पर केवल मंडे में जिस दिन
स्पोक्स की मीटिंग होती है। स्पोक्स का मतलब विदा पीपल में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कार्य शुरू कर दिया है, उनकी मीटिंग का एक दिन रखा गया है, सोमवार का दिन है, उस दिन होती है। और वो उस दिन अपने अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपना अपना आकर के ये बताते हैं कि हमने इस टाइम से इस टाइम तक विदा पीपल में ये काम कर चुके हैं। तो जो भी साथी विदा पीपल में काम करना चाहते हैं वो अपना नाम छोड़ते रहें, अपना नंबर छोड़ते रहें, ताकि उनको कम से कम सोमवार में आयोजित होने वाली मीटिंग के लिए उनके नाम प्रपोज किए जाए। वहां पर उनको संघ के रूप में स्थापित करने में हम एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें, उसको निभा सकें, और इस देश को बचाने में, इस संविधान को बचाने में हम अपना एक विशेष योगदान दे पाए। क्योंकि देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा विदा पीपल की ताकत क्या है। विदा पीपल की ताकत केवल और केवल जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठा रहना है। अगर ये विदा पीपल अलग अलग रहा तो जो 70 सालों में हमने परेशानियां झेली हैं, ये शायद और हमारी औलाद को भी झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए विदा पीपल क्लियर कट रोजाना यही कहता है कि जितने भी सभी साथी हैं वो जोड़ने के क्रम में और जुड़ने के क्रम में जितनी जल्दी हो सकता है खुद को तैयार कर लें। और एक बात और है, आज तक हमने देखा होगा हमारे जितने साथी हैं विदा पीपल में वो परिवार सहित जुड़ रहे हैं। पहले जुड़ने का क्रम अपने घर से शुरू होता है, या जितने भी हमारे नेताओं ने जोड़ने का क्रम शुरू किया दूसरों के घरों से किया है। तो इसलिए विदा पीपल का जो रहस्य है, जो एक उपलब्धि है, वो ये है कि विदा पीपल ने केवल स्वयं हमारे बीच में जितने भी साथी आते हैं वो परिवार सहित जुड़ रहे हैं। और जो महिला स्पेशल मीटिंग 3 बार होती है उसमें सारी हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो भी उसमें सक्रिय योगदान देती हैं, उसको देख करके अब ऐसा दिन दूर नहीं लगता। हमें जुड़ने में कोई बहुत लंबा समय लेने वाले हैं, अगले 2 से 4 से 6 महीने में हम शायद इस जुड़ने के कार्य को पूरा करने की दिशा में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और तब वास्तव में भारत में हर जगह हर कोने पर दिखाई देगा लोगो वी का मतलब हमने आई के रूप में जितनी भी चीजें आज तक स्थापित की हैं उसको डिमोलिश करना, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम वी के रूप में अपना को स्थापित कर लेंगे इस भारत के, दुनिया के एक एक कोने में हम वी के रूप में स्थापित हो जाएंगे, तब शायद हमारे सामने जो भी लोग आएंगे वो हमें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम बेवकूफ बने हैं वास्तव में, और बेवकूफ इसलिए बने हैं क्योंकि हमने आपस में जुड़ना बंद कर दिया था, हमने अपने आप को समझ लिया था हम बहुत कुछ हैं। हमें बाबा साहब ने जितनी शक्ति दी है उस शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से करते हुए अपने आप को हमने कुछ समझ बैठे थे। तो आज हमें होश आया है विदा पीपल को कि हम वास्तव में, अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो हमारी स्ट्रेंथ इकट्ठा होने में है, एक साथ जुड़ने में है। और इस जुड़ने के प्रक्रम को जितनी जल्दी हम जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जहां जहां पर हम जुड़ जाएंगे वहां वहां पर जीतेंगे, और जब जब हम जुड़े हैं तब तब हम जीते हैं। तो जितने भी हमारे वृत्तांत रहे हैं पास्ट के, जब जब भी हम जुड़े हैं, क्योंकि 2018 2 अप्रैल का जो ये आपने देखा है पूरे देश के अंदर जिस तरह से आम आदमी सड़क पर आया था, केवल आया था 4 घंटे के लिए, और जो भी उस चीज को लेकर के जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट है उसको खत्म किया गया था और उसको पुनः प्राप्ति हो गई केवल सड़क पर आने से। तो इस चीज को सभी लोग जानते हैं, अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने मात्र से हमारे बहुत सारे साथी पूछते करेंगे क्या, तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, केवल हमें इकट्ठा होना है। तो सभी साथी समझ लें कि इकट्ठा होना अपने आप में बहुत भारी काम है, लेकिन इससे भारी काम है इकट्ठा होने के बाद निरंतर जुड़े रहना। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग साथी आते हैं और आगे भी आएंगे जो इस संघ को किसी ना किसी रूप में अपने हित के लिए यूज करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये वो मशीन है। इस मशीन से जो गुजर करके निकलेगा वो शायद सोले आने सरा खरा सोना होगा जो विदा पीपल को समझ चुका होगा, और यहाँ व्यक्ति को स्थापित करने में बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं दिखाएगा। यहाँ व्यवस्था को, यहाँ संघ को स्थापित करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं हमारे सभी साथी, योगदान दे रहे हैं। सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सुंदर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन तरीके से बताया है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद इस योगेंद्र सर। योगेंद्र जी, जी सर जी, शुरू कीजिए जो नए साथी हैं उनका परिचय, बातचीत शुरू कीजिए। अभी कर रहा हूँ, दो मिनट का समय लगेगा, मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अभी कर रहा हूँ मैं।
विकास सिंह जी आ गए, वो कर लेंगे वैसे। हेलो विकास सर, विकास जी। जी जी विकास सर। जी बोलिए सर। स्टार्टिंग करो जरा, मैं अभी मकान में पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे रास्ते में हम बस। कौन है एंकरिंग, कौन कौन है इस टाइम? जो भी होंगे आप शुरू करो, कोई बात नहीं। हाँ तो देखते हैं, शुरू कर रहे हैं, आप आइए आराम से, मैं भी रास्ते में हूँ ना, मैं भी। पहुंचने वाला हूँ बस। नदान सिंह रायबरेली। हाँ भाई नदान रायबरेली, कैसे हो? एके सिंह जी। जी डॉक्टर साहब, नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ नमो बुद्धाय जय भीम भैया, प्रकाश जी जय भीम भैया। आप रास्ते में हो लग रहा है? जी जी मैं रास्ते में हूँ। कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट में संभालता हूँ। एके सिंह साहब आ गए, संभालिए संभालिए, लो लो मुझे संभालने की जरूरत नहीं, अब आ गए मेरे संभालने वाले। एक बात नहीं, आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरा सहयोग करें तो अच्छा रहेगा। सबको नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ भैया लखपत सिंह जी जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब आप संभालो भैया, संभालो आप लोग। हमारे बीच में माई जियो ये एक साथी जुड़े हैं, अगर हो सके तो अपना परिचय दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी शुरुआत कर देते हैं अभी। आज नमो बुद्धाय सर। जी मैं परमेश्वर खोपे प्राध्यापक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद से हूँ। जी 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 और कटके जी के माध्यम से जुड़ा हुआ। वेरी गुड वेरी नाइस, कटके जी का बहुत बड़ा योगदान इस विदा पीपल को आगे बढ़ाने में है। सही बात है सर, और जैसे कि मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में
कि हम जो ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन टीम के माध्यम से जो काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसपे जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी गाइड करने के लिए कटके जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, ऐसे लोगों की तो जरूरत है आज हमें। जी 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 सर, बहुत अच्छे। आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी और हाँ, और निवेदन ये है कि आप हर बार जुड़े और लोगों को भी जोड़े, डेली जुड़िएगा आप, डेली 8 बजे से ये होता हूँ सर। जी ये परम खोपे साहब जो हैं, ये वहाँ के हैं जहाँ बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज बनाया है। औरंगाबाद घूमने लायक है, अजंता एलोरा की गुफाएं देखने लायक हैं। यहाँ जितने भी साथी जुड़ते हैं, अभी कल परसों भी भाई साहब से बात हुई थी, उन्होंने सबको बुलाया है, भैया औरंगाबाद आ जाओ, वी द पीपल वालों औरंगाबाद घूमने के लिए आ जाओ। जरूर जरूर सर, यू आर मोस्ट वेलकम। परम जी के तरफ से मैं ऐसा बोल रहा हूँ सबको। जी अफकोर्स सर, यहाँ पे औरंगाबाद में जैसे कि अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, पीतल खोरा केव्स है, और बहुत कुछ है जो बाबा साहब की तो औरंगाबाद कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे 1954 को जो बाबा साहब ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की, जहाँ पे बहुत मतलब पिछड़ा समाज बहुत था, तो उसके बाद में बहुत बड़े अफसर जैसे कि आपने डॉक्टर सुखदेव थोरा जी वगैरह ऐसे जो यूजीसी के चेयरमैन होके गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और बहुत बड़े लोगों का योगदान ये रहा, और संस्था अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच। किरण के हमारे बीच में जुड़े हैं, किरण के शायद माइक पे अभी नहीं आ पाए हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना ये नेट का सही कर लीजिएगा। और बड़े भाई जीडी निरंकारी जी जुड़ चुके हैं, तो क्या निरंकारी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जय भीम नवोदय सर। जय भीम नवोदय सर, मैं आपका सहयोगी हूँ। नहीं सहयोगी नहीं सर, आज आपका सर लीड रोल है भाई, मैं तो अभी 10 मिनट के बाद जाने वाला हूँ। सर और आपका आदेश सर माथे पर है सर, अभी अभी हम कपड़ा नहीं नहाने जा रहे थे सर, अभी लखनऊ से लौटते हैं। स्कूटी चलाई 50-60, नहीं 50-60 किलोमीटर स्कूटी चलाए सर, हम केवल हम सुनेंगे आज। हमें एके सिंह साहब है और योगेंद्र जी है हमारे, बहुत हमारे शुभचिंतक हैं, वो देख लेंगे, हम सुनेंगे सर, बहुत थक गए, अब बुढ़ापे में स्कूटी चल नहीं पाती 50 किलोमीटर चलाए। मोदी आए थे तो ट्रैफिक भी बड़ा जाम था, ट्रैफिक में बड़ा पसीने पसीने बड़ा थक गए हैं सर। नहीं भैया कोई काम था हाई कोर्ट में। जी जी नहीं, और लोग संभालने वाले, बहुत आपने तैयार कर दिए भाई, आपने बहुत लोगों को तैयार कर दिया। इवान इवान वर्मा LKG बी लग रहा है जुड़े हैं कोई, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना परिचय दीजिएगा। इवान वर्मा हमारे बीच में जुड़े हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं इवान जी आप? शायद सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। जो भी सामने बैठे हैं, नहीं सामने बैठे हैं इवान वर्मा जी LKG बी। जी 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 हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को, अनम्यूट करो भाई, मैं आपको देख रहा हूँ आप मुस्कुरा भी रहे। इवान भैया अनम्यूट करो, ये माइक अनम्यूट। जयम सर नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। हाँ जी जी सर, वो गलती से मेरे बच्चे उसका बच्चे का आरा फोटो, तो मेरा नाम मांगेराम गौतम है जी जी, और जी, मैं जी, बैंक से SBI से रिटायर्ड हूँ सर। बहुत अच्छे सर, गाजियाबाद में रहता हूँ मैं। अच्छे सर, कहाँ भैया कहाँ रहते हो? गाजियाबाद सर। गाजियाबाद में सर किधर? अच्छा गाजियाबाद में कहाँ रहते हो? गाजियाबाद में गोविंद, गाजियाबाद में कहाँ? H ब्लॉक गोविंदपुरम। गोविंदपुरम में कौन से मोहल्ले?
अच्छा सर, मैं एच ब्लॉक में रहता हूँ सर, गोविंदपुर। बहुत सुंदर। और यहाँ पे हमारे जो है गोविंदपुर में सर वो है डॉक्टर अंबेडकर जनता से कल्याण समिति, मैं उसका सचिव भी हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आप सर पहली बार जुड़े क्या मांगेराम जी? हाँ जी, हाँ जी मांगेराम आज पहली बार जुड़े हैं। कहाँ से लिंक मिला आपको? ये लिंक इन्होंने अब यहाँ से मिला था, हमारे चरण सिंह जी हैं और तो ठीक है ठीक है। अब निवेदन हमारा ये है कि आप डेली जुड़िएगा इससे, आपकी ताकत जो है इस मेगा पे। जी सर, सर नेट चला गया। डॉक्टर उदयवीर सिंह हूँ मैं, गाजियाबाद से ही हूँ भैया। अच्छा गाजियाबाद से बताया सर। फिलहाल बुलंदशहर में रहता हूँ। अच्छा हाँ, फिलहाल मैं बुलंदशहर में हूँ आजकल। हाँ जी सर। अच्छा गाजियाबाद से कभी नगर से रहे हैं पहले आप? बुलंदशहर में रह रहे हैं आप? ठीक है सर। हाँ हाँ, मैं रिटायर्ड चीफ मेडिकल अफसर हूँ, डॉक्टर जी। आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा और हमारा निवेदन है कि आप डेली जुड़िएगा और साथियों को भी जुड़िएगा ताकि ये विदा पीपल का जो मूवमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, और जुड़े रहिएगा ताकि 9 बजे आप इसका कॉन्सेप्ट सुन सके और ताकि आगे के लिए भी आप लोगों को जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। जय भीम। गैलेक्सी ए 50 ये कोई जुड़े हैं गैलेक्सी ए 50 से? गैलेक्सी ए 50 से जो जुड़े हैं मैं निवेदन करता हूं कि आप आए अपना परिचय दीजिएगा कृपया। जी जय भीम सर। जय भीम अमिताभ जी। हाँ सॉरी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, जरा कोई बात नहीं, आप परिचय दीजिएगा। जी मैं बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ और अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। मैं काफी लंबे समय से इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा प्रसन्न हूँ। हमारे जो सीनियर साथी हैं वो अथक प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अमरोहा की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो चुकी है। जी जी हाँ, अमरोहा की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो चुकी है और अमरोहा वालों का बहुत बड़ा योगदान इस विदा पीपल को आगे बढ़ाने में। जी जी, और प्रयास रहते हैं सर आगे भी। जुड़ते रहिएगा और साथियों को जोड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। जय भीम सर। जय भीम। हमारे साथी गुलाब सिंह जी का हैंड रेज है तो मैं निवेदन करता हूँ, गुलाब सिंह जी आए अपनी बात रखें। गुलाब सिंह सर आज यूपी। जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसा कि आज यूपी का विशेष दिन है और मेरा पैतृक गांव जो है यूपी में ही है, पहले पुराना मैं यूपी का ही हूँ। मेरे दादा परदादा यूपी से बुलंदशहर से थे, तो उसके बाद मेरे फादर जो है 65 में जो है उत्तराखंड चले गए और मैं अब दिल्ली में हूँ और मेरे बच्चे अब दिल्ली के हैं, तो यूपी से भी मुझे बहुत लगाव है और इसलिए सभी लोग जो यूपी के आज विशेष दिन है, यूपी के जो लोग जो काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और क्योंकि मेरी रिश्तेदारियां यूपी में भी हैं तो उनको भी जोड़ने का प्रयास है। उत्तराखंड में हम जोड़ ही रहे हैं और दिल्ली से भी जोड़ रहे हैं, तो यही मेरा परिचय है। तो आज मेरा बोलना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है क्योंकि यूपी का दिन है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा सा इसकी कुछ जो बेसिक बातें बता दूं। आज यूपी स्पेशल है ये सभी लोग जानते हैं। इसमें जो एंकरिंग का 8 से 9 बजे तक का जो टाइम है मुझे दिया गया है और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई जी डी निरंकारी जी जो अभी सफर करके लौटे हैं तो थोड़ा वो स्नान करने गए हैं। प्रेम्बल जो आज का जो प्रेम्बल जो पढ़ने की ज्योति है राजेश प्रसाद बोध जी हैं जो बिहार वैशाली से हैं। क्या राजेश प्रसाद बोध जी उपस्थित हैं? जी सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय सर, सभी को मैं उपलब्ध हूँ।
जब आप कहेंगे तो मैं तैयार हूँ जी, जब भी कहेंगे सर मैं तैयार हूँ। भैया पचास होने दो, पचास होने पर शुरू हो जाना अपने। डॉक्टर साहब नमस्ते, सभी कोई को जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ आगे के लिए। जो 9 से 10 की एंकरिंग है वो जेपी सिंह अम्बेडकर जी है और अतेंद्र पाल सिंह जी, ये 9 बजे से आपको ये हम कमान दे देंगे इसकी एंकरिंग की। और कॉन्सेप्ट जो आज का कॉन्सेप्ट जो उस पर जो विचार रखे जाएंगे, प्रकाश सिंह जी हैं और सुधीर राज जी, ये दो हमारे साथी हैं। और इसके बाद जो 10 बजे से और 11 बजे तक का जो एंकरिंग का जो कार्यक्रम है, डॉक्टर कंचन लता जी और सर्वेश कुमारी जाटव जी, ये आज के प्रोग्राम की मेरे बेसिक रूपरेखा है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब पुनः हम प्रचार का कार्यक्रम शुरू करते हैं और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो कृपया अपना हैंड रेज कर देंगे तो हमको आसानी होगी आपको यहाँ बुलाने में। राजेश गुर्जर जी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूँ कि आप और अपना परिचय दीजिएगा। राजेश जी नमो बुद्धाय। मैं राजेश गुर्जर यवतमाल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ और मैं रमेश कटके सर के माध्यम से जुड़ा हूँ और काफी आपकी जो ऑनलाइन है मैंने काफी ज्वाइन करी है और मैं अधीक्षक के पद पे स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ अभी यवतमाल में और सामाजिक काम में मैं काफी रुचि रखता हूँ और आपके इसमें भी काफी दिन से मैं जुड़ा हूँ। यही मेरा शॉर्ट परिचय है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप जुड़ते रहिएगा और हमारे कटके सर का उसी तरह से ताकत बढ़ाते रहिएगा और श्री वीर की डेफिनेटली धन्यवाद। वेलकम बाबूलाल आर्य जी हमारे बीच में जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुशीला कुमारी जी जुड़ी हैं हमारे बीच में, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हूँ तो अपना परिचय दें। सुशीला कुमारी जी क्या सुशीला जी मुझे सुन पा रही हैं? और कोई साथी जो नए साथी जुड़े हैं मेरा अनुरोध है कि आप हैंड रेज कर देंगे तो हमें आसानी होगी आपको बुलाने में। गैलेक्सी A50 ये साथी जुड़े हैं, मेरा निवेदन है कि आप आए और अपना परिचय दीजिएगा गैलेक्सी A50 से। ये तो हो गया सर, अभी हो गया सर। अच्छा हो गया जी जी। प्रेम सिंह जी इटावा से जुड़े हैं, इनका परिचय ले लीजिए जी। बुलाइए सर, बुलाइए प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी इटावा से जुड़े हैं। प्रेम सिंह जी सुन पा रहे क्या मुझे? एडवोकेट प्रेम माथुर जी हमारे बीच में जुड़े हैं फरीदाबाद से, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दें। एडवोकेट प्रेम माथुर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं आप। जो नए साथी जुड़े हैं कृपया करके वो अपना हैंड्स रेज करें। आप चैट बॉक्स में जाएंगे, जो मोर होता है उसे दबाएंगे तो आप उसमें आएगा हैंड्स रेज का एक ऑप्शन आता है। ओप्पो A3S से हमारे साथी जुड़े हैं। ओप्पो A3S से जो साथी जुड़े हैं कृपया अपना परिचय दें।
जीवन कुमार जी, जीवन कुमार जी सुन पा रहे हैं ओपो A3S से? 52 हो गए हैं AK सिंह साहब। जी जी जी, मैं मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय राजेश प्रसाद बोधजी से, जो बिहार वैशाली से हैं, वो आए और आज का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसे उसका वाचन करें। श्रद्धेय राजेश प्रसाद बोध जी। हेलो जी जी जी, डॉक्टर साहब पढ़ू क्या प्रियम्बल? जी जी कंटिन्यू करो। बिल्कुल ओके सर, ओके सर। Preamble: We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai जय भीम, जय संविधान। जय संविधान। राजेश सर इसको हिंदी में, हिंदी अनुवाद कर दें। ओके सर, ओके सर, जस्ट उद्देशिका। बहुत सुंदर। बिल्कुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब परिचय का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी जी। ब्रजनंदन प्रसाद जी पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में जुड़े हैं, क्या ब्रजनंदन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जय भीम, नमो बुद्धाय, सर्व कुशल। मैं ब्रजनंदन प्रसाद पश्चिम बंगाल बैंडल से एक सप्ताह से जुड़ा हूं सर, और लोगों को जुड़ने का ही प्रयास कर रहा हूं कि प्लेटफॉर्म तो भाषा में बहुत ही अच्छा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत स्वागत। अनिता जी हमारे बीच में जुड़ी है, हो सकता है काफी पुरानी है, वैसे फिर भी अपना परिचय दीजिएगा। अनिता जी, अनिता जी क्या सुन पा रही है मुझे? ध्यान सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। ध्यान सिंह जी, बड़े भाई ध्यान सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ध्यान सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे क्या? गुरुनाम सिंह जी हमारे बीच में हैं। गुरुनाम सिंह जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना परिचय दीजिएगा। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं गुरुनाम उकलाना बुद्ध विहार हरियाणा से हूं जी। आपको लिंक कहां से मिला है? हरियाणा में हमारे एक साथी हैं जो टीचर हैं जी, हरियाणा में रोहतक के पास जुलाना से है वो।
कुलदीप कुलदीप नाम जी है, कुलदीप है जी उनका नाम, उन्होंने मेरे पास लिंक भेजा था जी। और मेरा ये फर्स्ट डे है जी, आज पहला दिन है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आप जुड़े। अब हमारा एक निवेदन स्वीकार करें कि आप रोज जुड़े इससे, और साथियों को जुड़े और कंटिन्यूस रहिएगा इस पे। इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारी मंशा क्या है इसको ग्रुप को, इस संघ को बनाने की, उसके उसके पीछे का मकसद आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें और ज्यादा काम करना शुरू करेंगे। आप जुड़े रहिएगा और साथियों को जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंकारी सर आ चुके हैं क्या आप? क्षमा करें सर, अब हिम्मत नहीं है हमारी, आज हम सुनेंगे। आज आज निरंकारी जी की अपील को एक्सेप्ट कर लो एक एक जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आज बड़े भाई हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, तो बस उनको रेस्ट करने दो। वैसे वो खुद अपने आप आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि नहीं अब मेरे को एनर्जी आ गई। कोई बात नहीं। हमारे बीच में रण सिंह जी जुड़े हैं। रण सिंह जी एक्स डिप्टी कमांडेंट, शायद मैं जो तक समझ रहा हूँ, रण सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। कृपया आए, अपना परिचय दीजिएगा। रण सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय जी। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। सर जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय जी। सर मैं लगभग 1.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप के साथ, और मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को जोड़ने के लिए जो हमारे लाइक माइंडेड है, जो फिलहाल एनर्जेटिक है, जो सोचते हैं मिशन के बारे में, हमारे वी द पीपल के बारे में, बाबा साहब के बारे में, जो इस पद चिन्ह पे चल रहे हैं, जिनके अंदर ये जो हमारे साथियों में, जो हमारी फोर्स में भी है और अभी बैंकिंग सेक्टर में भी है, दूसरे क्षेत्र में भी जो मेरे टच में आते हैं, हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और हेलो जी जी, हाँ कंटिन्यू करिए सर। हाँ तो सर सबके साथ शेयर कर रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं और जुड़ेंगे, क्योंकि सभी को अब मालूम है, धीरे धीरे सबको ये एहसास होता जा रहा है कि जब अगर हम जुड़ेंगे जब ही जीतेंगे, इकट्ठे रहेंगे तभी जीतेंगे, और हमारा जो संविधान यही हमारा रक्षक है, किसी के द्वारा चाहे हमें, हमें परिवार, हमारे बच्चे या हमारी जितने भी हमारे लोग है वी द पीपल, उनका वेलफेयर सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ से ही होना है, इसके द्वारा होना है। रण सिंह जी अपने माइक म्यूट करिए, हमने सबको म्यूट कर दिया है, डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, आप अपने को अनम्यूट करें। रण सिंह जी दोबारा करना, अनम्यूट करिए। ठीक नहीं अब तो, आई एम सॉरी। बोले रण सिंह जी, बोले। सर आई थिंक शुरू से बोलना पड़ेगा या सर अभी कंटिन्यू रखू? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करने वाले को म्यूट कर दिया था सबको। हाँ तो सर मैं ये साझा करने चाह रहा था अभी सभी अपने साथियों से, जो हमारे बाबा साहब है, भगवान बुद्ध है, मास्टर काशीराम है, और जो हमारे मान्यवर है, जो हमारे समाज के अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, अपने गांव लेवल में भी करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों मीन्स जो हमारे गांव के साथी है, उन सब की बच्चों की हमें एक पाठशाला भी बनाई हुई है, जो हम कह सकते हैं कि नई आने वाली पीढ़ी है, जो 5-6 साल से लेकर 10-12 साल की एज है, उन सबके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। उस पाठशाला में हमें, हमने बाबा साहब के, मास्टर काशीराम के, भगवान बुद्ध के, ज्योतिबा फुले और पेरियार जी के फोटो और उनके सूचना, उनके जो कोटेशन है वो भी लगाई हुई है, और गाये बगाए हम उन पे डिस्कस भी करते हैं। बच्चे जब देखते तो उनको ये इच्छा जागृत होती है और पूछते भी हैं स्टार्टिंग में, अक भाई ये कैसे क्या, तो उनको शेयर भी करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो साथी है, जो मेरे गांव के हैं, वो अभी 10 अक्टूबर को हम एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो एक अच्छा मैसेज हमारे समाज के लोगों को, विशेषकर हमारे समाज के लोगों को, बाकी सबको तो देगा ही देगा,
कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे नहीं, एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, तो ना तो हम अपना भला कर सकते, ना अपने बच्चों का कर सकते, ना समाज का कर सकते, जिसकी गारंटी हम ये फिर म्यूट कर दिया भाई। भाई क्यों अनम्यूट करो फिर। मैं एक फोर्स से हूँ, सीआरबी फोर्स, तो मेरे जो सहपाठी है, मेरे साथी है, और बैंकिंग सेक्टर को अभी लुक अप करो, वहां भी हम शेयर कर रहे हैं, तो काफी लोग एनर्जाइज है और नेचुरली एजुकेशन के द्वारा काफी लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रही है और सभी लोगों ने प्रयास किया है, तो सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे अपने इस वी द पीपल से। और मुझे उम्मीद है हम सबके प्रयास से सर, बिल्कुल बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने थोड़ी सी देर में बहुत कंसेप्ट ही आपने तो क्लियर कर दिया भाई। सर पता नहीं मेरे को, बट ये कि मेरी ये जो फीलिंग थी, जो मेरे साथियों के द्वारा और मेरे इवन जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स उनके द्वारा जो मेरे को मिली, वो मैं कन्वे कर रहा हूँ कि सर बहुत जल्दी अच्छा हमारा परिवार और सुदृढ़ होगा और मजबूती से हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, यही मैंने कहना था सर। जय भीम नमो बुद्ध। बहुत सर, अपना फोन नंबर इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा वैसे फिर भी। राइट सर। जी जी, सुभाष कुमार जी मुरादाबाद से जुड़े हैं। सुभाष कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? एके सिंह साहब, चेहरे से अंदाजा लगा लिया करो कोई भाई क्या कहने जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा मौका दिया जाना चाहिए। सुंदर प्रतिभाएं हमारे बीच में है इस देश में। हेलो जी जी, और भैया परिचय दे अपना। हाँ, सुरेश कुमार रवि मुरादाबाद से। जी अच्छा। हाँ मैं सुरेश कुमार रवि। अच्छा, सुरेश कुमार रवि, प्रोडक्ट्स वगैरह आपके यहीं से? जी हाँ। अच्छा, मैं लेकर आया था आपके यहाँ से। मैं पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ हूँ, शायद आपसे परिचय हो चुका है मेरा। बिल्कुल हो चुका। हाँ, डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ हूँ मैं 2019 दिसंबर को, और जैसा आप लोगों ने ये संविधान को बचाने का, संविधान को आगे उसके अनुसार सभी लोगों को न्याय दिलाने की बात जो आपने ये अपने ग्रुप के माध्यम से रखी है, इसको मैं एक लाइफ लाइन कहूँगा। ये हमारे कम से कम बहुजन समाज के लिए तो एक लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है संविधान। और मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग जो अभी भी पाखंडवाद के चक्कर में पड़े हैं जी, मैं आपको एक दृष्टांत बता दूं। मैंने अपनी बिटिया की शादी की है लास्ट ईयर, तो एक पंडित जी आए थे वहां शादी कराने के लिए, तो मैंने उसको ये कह करके कि भाई तुम क्या हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, ये एक घंटे से वो मंत्र पढ़ रहा था, तो मैंने अपनी बिटिया के शादी में ये प्रयोग किया कि उसको मैंने भगा दिया और केवल बच्ची के लड़के के लड़की के फेरे करा करके मैंने केवल इतना ही काम किया कि लड़की के और लड़के के फेरे कराए केवल। तो मैंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि मैं और किसी की शादी में तो ये रिस्क नहीं ले सकता था, हो सकता लोग बाग मुझे मारना शुरू कर देते। मैंने अपनी बिटिया की शादी में ये प्रयोग करके देखा, मैंने उसको पंडित जी को भगा दिया और केवल मैंने, क्योंकि और भी काफी समाज के लोग इकट्ठा थे, मैंने केवल फेरे करा करके ही उनको विदा कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सुझाव है कि आप बौद्ध विहार में इस तरह के भंते लोग तैयार करें जो हमारे बहुजन समाज के सारे जो संस्कार करा सकें। बस मेरा इतना ही निवेदन है आपसे। मैं पहली बार जुड़ा हूँ शायद आप लोगों से, यहाँ प्रकाश जी ने हैं मुरादाबाद से, उन्होंने मुझे ये लिंक दिया है, प्रकाश जी ने। नमो बुद्धाय, जय भीम। शादियों के लिए भंते नहीं बल्कि आचार्य लोग तैयार करें। लखनऊ से एके सिंह साहब, कुछ जो जिम्मेदारी है ना, वो कानपुर वालों को, लखनऊ वालों को, बनारस वालों को दे दो भाई, वो भी यूपी में ही आते हैं ना। आए, मेरे को थोड़ा सा नाम सुझा दें तो मैं उनको। डॉक्टर यूएस लाल साहब हैं लखनऊ से, बनारस से मौर्य जी हैं,
भाई आप अपने अपने रीजन की थोड़ा एंकरिंग करिए। डॉक्टर यूएस लाल हैं, डॉक्टर यूएस लाल मौर्य जी करके हैं बनारस से भाई। मौर्य जी हैं क्या? भैया हापुड़ वाले भाई साहब है, गढ़ वाले वाले इकट्ठे मत लो कहा भैया। देखो अब गढ़ वाले हापुड़ वाले भैया थोड़ी देर संभालो, फिर बनारस वाले तैयार है। हाँ सर मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए सर। आप परिचय का योगेंद्र जी करिए सर। अनिल गवाई साहब, अनिल गवाई जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए सर। सर मैं अनिल गवाई बोल रहा हूँ, नवी मुंबई से। जी बताइए गवाई सर, अनिल गवाई सर कुछ बताएं अपने। जी सर बोलिए जी, अपने बारे में कुछ बताएं सर। चंद्रभानु चंद्रभानु जी सर, सर नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं चंद्रभानु उत्तराखंड से हूँ और इस ग्रुप में बहुत दिन से हूँ, बहुत मजे आ रहा है। कभी पिछली बार नहीं देख पाया, 8 बजते हैं ढूंढता रहता हूँ, मीटिंग शुरू हो गई होगी तब से बैठ जाता हूँ। ये हमारा परिवार नहीं है और ये परिवार के आप अपनी वीडियो बंद करके बोलिए। अच्छी बातें सुनाई देती है, तो हमारा एक इस प्रकार से गुरु बढ़ता रहेगा। और आप लोगों से नमो बुद्धाय। योगेंद्र जी बुलाइए और कोई। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्विन सिंह जी, अश्विन जी अगर मेरी आवाज आ रही तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए सर। भैया योगेंद्र जी सर, भैया एक बहुत बड़ी प्रतिभा को मैं देख रहा हूँ बहुत दिन के बाद में, भीष्म देव आर्य जी शायद जुड़े। हाँ सर, सर 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 मैंने देख लिए, बिल्कुल मैंने देख लिया, मैंने नाम नोट कर लिया है बिल्कुल। भैया भैया को बहुत मेरे भाई है, सबसे बड़े भाई है इस परिवार के। जी 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 बात देख रहा हूँ, भीष्म देव जी का बहुत बहुत स्वागत सर, उन्हें स्वागत, बारंबार स्वागत। भीष्म देव सर का यू द पीपल में बहुत बहुत स्वागत है और उनका आशीर्वाद चाहते हैं हम। काफी दिन बाद जो है नाम देखने को मिला है, इसमें चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और आशीर्वचनों से हम सबको फलीभूत करें। भीष्म देव आर्य जी सर, भीष्म देव आर्य सर जी, सर आएंगे आ रहे, आवाज आ रही है सर। हाँ भाई साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय भाई साहब, जय भीम साथियों को, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम भैया, बड़े भाई साहब को जय भीम। काफी लोग मेरे परिचित रहे हैं, मैं राजस्थान से भीष्म देव आर्य हूँ और इस पित्र का अभिन्न हिस्सा हूँ जी जी, और रहूंगा तो मैं कारण बताना चाहूंगा, सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ढाई महीने से मैं अंडर ट्रीटमेंट था और पीछे हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ और अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ और आज सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों के विचार सुनूं, आप लोगों के दर्शन करूं। अच्छा लगा, आपने रिकॉग्नाइज किया, मैं सुन रहा हूँ, आपके साथ हूँ, साथ बना रहूंगा, वो है बहुत अच्छा। आप इस परिवार के मुखिया हैं भाई, नेम तो कहना चाहूंगा सभी को और भाई आपका तो सर आशीर्वाद ही बना रहे, बस इतने काफी है, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
सबके साथ में संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ और कंसेप्ट के साथ हुई हूँ। कंसेप्ट हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, गुड। थैंक यू सर। अब मैं इसी कड़ी में आजाद सिंह सुरलिया साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। आजाद सिंह सर, आजाद सिंह सर, अनुराग कुमार जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो माइक अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए सर। एक सिद्धार्थ लाइव चैनल करके हैं, सिद्धार्थ यूट्यूब लाइव चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम अनुराग जी। जी मैं अनुराग कुमार, एक प्राइमरी टीचर हूँ बुलंदशहर में। जी 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 सर, बुलंदशहर ब्लॉक कौन सा सर आपका? सर लखावटी ब्लॉक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा सर आपको? सर ए के सिंह सर। जी सर। सर मुरादाबाद से थानेश कुमार जुड़े हैं। थानेश कुमार बुलाइए सर, बुलाइए सर, लखपत जी बुलाइए। सर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ अब जरा अपना परिचय दीजिए थानेश कुमार जी। थानेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और परिचय दीजिए अपना। थानेश कुमार मुरादाबाद से सर। थानेश जी क्या सुन पा रहे हैं हमें? थानेश कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या? एके सिंह सर, ये शांति स्वरूप जी बरेली से जुड़े हैं। शांति स्वरूप जी बरेली से। बुलाइए सर, बुलाइए बुलाइए सर। शांति स्वरूप जी बरेली से, अगर मेरी आवाज आ रही है तो माइक अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए सर। शांति स्वरूप जी, शांति स्वरूप जी माइक को अनम्यूट करिए। डॉक्टर यूएस लाल जी हमारे बीच में हैं शायद। डॉक्टर यूएस लाल जी, सभी साथियों को जब भी नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। मैं डॉक्टर यूएस लाल हूं, मैं लखनऊ से हूं। मैं यहां एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 100 बेड का है, उसमें मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं और विद द पीपल से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं। और ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन बन रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इससे लगातार जुड़ा रहूंगा और प्रयास करूंगा कि और साथियों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं, इस संघ का उनको हिस्सा बनाऊं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई लखनऊ से कोई नए साथी जुड़े हो तो आप इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा और देख लीजिएगा अगर कोई जुड़े हो। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर हेमलता माहेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय भी दें और विदा पीपल के बारे में भी थोड़ा बताएं। डॉक्टर हेमलता माहेश्वरी जी, जी सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हेमलता महेश्वर प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में, और इसके अतिरिक्त साहित्यिक लेखन, दलित साहित्य लेखन में कुछ काम है मेरा। इस दलित साहित्य में मैं बौद्ध दर्शन अब थोड़ा आरंभ कर रहे हैं पाली भाषा को लेकर के, और
जो अम्बेडकरी चिंतन है उसको लेकर के जो लेखन कार्य किया जाना चाहिए, क्या उसकी दार्शनिक पीठिका है, इसको लेकर के काम करती हूँ। और कुछ किताबें प्रकाशित हैं मेरी मराठी से, कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताब का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, चाहे वो कविता हो या लेख हो। और मेरी भी कुछ रचनाओं का भारत की अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। और जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे जितने भी तो उसको लेकर के चाहे सड़क पर भी प्रदर्शन करना पड़े बहुत मुखरता के साथ हम बात करते हैं, बगैर किसी भय के, बगैर किसी झिझक के। और जैसे ही अंबेडकर हमारे भीतर बजने लगता है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो अंबेडकर हमारे भीतर जिस तरह से बसते हैं, गौतम बुद्ध जिस तरह से चेतना की निर्मिति करते हैं, तो एक वैचारिक स्पष्टता आती है, आपकी पक्षधरता स्पष्ट होती है। बस इतना ही छोटा मोटा सा काम कर रहे हैं बोलते रहिए मैम आवाज आ रही है। अच्छा ये कुछ हो गया, पता नहीं यहाँ क्या। और मुझे अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच हमारा एक संगठन है, भारत भर से जो लेखिकाएं हैं, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करो। मैडम जी हेमलता जी अनम्यूट करो, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। हेमलता जी अपने को अनम्यूट करो। श्रद्धेया हेमलता जी क्या सुन पा रही है? जी हाँ जी कंटिन्यू करिए। अब आवाज आ रही होगी ना? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही थी तो मैंने सबको म्यूट कर दिया था, कृपया अपने को अनम्यूट कर लें। बहुत धन्यवाद सर। तुम ये माइक अपना बंद करो भाई, ये थानेश। हाँ। जी तो अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच है हमारा, जिसमें हम नए लेखकों लेखिकाओं को तलाश करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि कुछ वो जो वैचारिक स्तर है वो घरेलू महिलाओं तक भी पहुंच सके। और अभी इस मंच ने एक किताब का प्रकाशन भी कर लिया है, वो किताब आप लोग उत्तर भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, रजनी तिलक जी को, तो रजनी तिलक की याद में उन पर बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो एनी राजा हो या मतलब मार्क्सवादी लोग हैं या हम दलित समाज के लोग हैं, तो पूरे भारत भर से उसमें लेख उनके लिए प्रकाशित हुए हैं, तो ये उन पर एक किताब हमने प्रकाशित की है। हमारा प्रयास इसके माध्यम से ये है कि हम सेमिनार और सेमिनार के माध्यम से मैंने आप लोगों से यहाँ और भी जब कभी भी हम ज्वाइन मैंने किया है तो कहा है कि जब तक अम्बेडकरी चिंतन संबंधी साहित्य हमारे घरों में नहीं होगा, तब तक जो चिंतन का तेज है, जो शिक्षा का तेज है, देखिए शिक्षा का उधर पूर्ति का साधन होना कि कोई हम में से डॉक्टर बन गया, कोई अध्यापक बन गया, कोई इंजीनियर बन गया या कोई बिजनेस कर रहा है, वो केवल उधर पूर्ति है, वो केवल पेट भरना है। लेकिन
ये कामयाब तब होगा जब हमारे भीतर वैचारिक चेतना अंबेडकरी चेतना पैदा होगी, और जैसे ही चेतना पैदा होती है तो डॉक्टर अंबेडकर जिसको पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं, या डॉक्टर अंबेडकर जैसा मैंने और भी पहले कई बार कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को क्या कमी थी, इतनी शानदार शिक्षा थी कि उनको कोई भी अपने यहाँ आराम से एक शानदार नौकरी दे सकता था, पर उन्होंने किसी की नौकरी नहीं की, वो अपने समाज के नौकर बन करके रहे, पर हम उनको कितना सम्मान दे पाते हैं, हम उनकी चेतना से कितना वास्ता रखते हैं, ये जरूर हमें सोचना चाहिए। तो बस यही छोटे छोटे से काम है, और अब हम लोग इस हम लोग बी द पीपल से जुड़ करके एक छोटा सा ग्रुप हम लोगों ने फिर इसमें बनाया है कि हम सिलेबस तैयार करें, और सिलेबस को तैयार करने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे अपना नाम नंबर जो भी है वो उपलब्ध कराइए। आप में से जो भी कविता लिखता हो, कहानी लिखता हो, लेख लिखता हो, जो भी लिखता हो, आप सब हमारे साथ शामिल होइए, और हम तय करेंगे कि किस तरह से हमको अपने लोगों को अपने नायकों नायिकाओं को एक नायकत्व प्रदान करते हुए कैसे उनको लोगों तक पहुंचाएं। हम अकेले ही नहीं बल्कि जो दूसरा समाज है उस तक उसने जिन लोगों को छुपा के रखा हुआ है, मतलब आप देखें कि हमारी जो नायिकाएं हैं नायक हैं वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उन तक यदि वो सिलेबस में नहीं लगाते हैं तो भी हम किस तरह से उनकी जीवनियां उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग ये सारा लिख करके, चाहे वो कविता के रूप में गीत के रूप में लिख करके कैसे हम उन तक पहुंचाएं, हमको इस बात की मैं इस बात की चिंता करती हूँ। और वी द पीपल में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, एक बड़ा समाज तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा होगा कि हम लोग अपनी सामाजिक इसी भूमिका को चिन्हित करें, और कैसे अंबेडकरी चेतना से लैस हो इस पर करें। धन्यवाद आप। साधु साधु साधु। हेमलता मैडम, हेमलता मैडम, थैंक यू मैडम। एक सवाल था। हेलो एके सिंह सर। हेलो जी, हेमलता मैडम से कोई जानना चाह रहे हैं कि अंबेडकरी चिंतन क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा हल्का मैडम बताने का कष्ट करेंगे। हेमलता मैडम जी सर, अंबेडकरी चिंतन जो हम लोग जिससे समझते हैं, जो मैं समझती हूँ, जो भाई देखिए कोई दूसरा क्या समझ रहा है इस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना लेखन जो किया है, उन्होंने जो लेखन किया है में प्लीज और कोई बात ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसको करने का प्रयास। मैंने फिर म्यूट कर दिया मैडम, मैंने सबको फिर म्यूट कर दिया है, आप अपने को अनम्यूट कर लें जी। ये बार बार लोगों का मुंह बंद करना पड़ता है, क्या करूं? नहीं, ये हमारे भीतर स्वयं अनुशासन होना चाहिए ये, और जब तक हमारे भीतर अनुशासन नहीं होगा तब तक हम बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये तो तय। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ लिखा, ये चंद्रपाल सिंह जी हैं, या तो आप ही बोल लीजिए प्लीज। भाई चंद्रपाल सिंह जी क्या कर रहे हैं भाई? नेपाल सिंह कश्यप, ये मैंने हेमलता बहन जी आप खोलिए, अब कोई नहीं करेगा, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हेमलता बहन जी जी चलिए सब अनम्यूट हो गए परमानेंट। हाँ नहीं मतलब यदि किसी को बोलना है तो वो आप बोलिए, मैं तो पूरे धैर्य के साथ बोलिए, पूरे धैर्य के साथ, बहुत अच्छी श्रोता हूँ मैं। अब आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो परमानेंट हो गए जी।
डॉक्टर अंबेडकर ने जो लेखन किया है, अब दो तरह का लेखन हमारे सामने उनका उपस्थित है। संपूर्ण वांग्मय में उनका वो हिस्सा भी उपस्थित है जो उन्होंने टच किया था। और जब कभी भी हम जैसे लोग या जो भी रिसर्चर होगा या मान लीजिए कोई कहानीकार है, तो कई बार रिसर्चर कहानीकार कवि उसके दिमाग में कभी कोई प्लॉट आता है, तो उस प्लॉट के बारे में वो अपने रजिस्टर में चीजों को नोट करके छोड़ देता है, और जैसे जैसे उसके सामने सामग्री आती चली जाती है वो उसको वहां पर डंप करता है, लिख करके छोड़ता चला जाता है कि कभी वक्त मिलेगा या जब मेरे पास किसी भी एक विषय से संबंधित कंप्लीट जानकारी मेरे नजरिए से उपलब्ध हो जाएगी या मैं इस विषय में अपनी परिपक्वता हासिल कर लूंगा तब इस पर काम करेंगे। तो ऐसी चीजें भी संपूर्ण वांग्मय में शामिल है। मेरे जैसे लोग जो रिसर्च के लिहाज से काम करते हैं उन चीजों को पकड़ते हैं जिनमें जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने कंप्लीटली लिखा है, जो चीजें उनकी कंप्लीट है ये उससे दिखाई देता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है विदाउट रेफरेंस नहीं लिखा है। विदाउट रेफरेंस जो चीजें हैं वो चिंतन में अभी हो रही होती है, वो अभी भ्रूण की अवस्था में है, वो पूरा बन नहीं पाया है। लेकिन जो चीजें कंप्लीट हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के लेखन शैली का ये सबसे खूबसूरत पक्ष है कि बगैर संदर्भ के बगैर रेफरेंस के वो बात नहीं करते हैं। तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं जो उनकी ससंदर्भ लेखनी है उन चीजों को पढ़ते हैं तो अंबेडकरी चिंतन अपने आप एक शेप लेता हुआ दिखाई देता है। उसके विविध पक्ष हैं, उसका दार्शनिक पक्ष है, उसके धम्म का पक्ष है, उस चिंतन का सामाजिक पक्ष है, उस चिंतन का राजनीतिक पक्ष है, उस चिंतन का आर्थिक पक्ष है। अब वो तो समग्रता में जीने वाला व्यक्ति था, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ी थी, पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ा था, तो वो सारा का सारा वो देखते हैं और उस निचोड़ के साथ अपनी रचनाओं में अपने अपने रिसर्च लेखों में वो प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि जो चीजें उन्होंने कंप्लीट लिखी हैं हम पहले उनको गंभीरता से पढ़ें। अब ये भी ध्यान रखें कि हम लोगों की अपनी अपनी सीमाएं भी होती हैं। जिस व्यापकता के साथ वो पढ़ रहे थे वो व्यापकता निश्चित तौर पर मेरे पास नहीं है। उनके पास इकोनॉमिक्स भी थी, उनके पास मैंने शायद ये विषय इन विषयों के नाम ले लिए हैं, ये विविध डिसिप्लिन है, तो इन सारे डिसिप्लिन पर एक साथ चिंतन करते हुए वो किसी एक निश्चित निर्णय की तरफ पहुंचा करते थे। तो हम सभी मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही आप सोचें, हो सकता है आप मुझसे अलग सोचते हो, ये भी हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर सोचते हो, पर हमको ये चाहिए कि हमने उनके जो कंप्लीट रिसर्च बुक्स हैं या उनके भाषण भी सतही नहीं होते थे, वो पूरी रिसर्च के साथ विद रेफरेंस अपने भाषण दिया करते थे। तो ऐसी चीजों को पढ़ें और हम अपने तई एक निर्णय की तरफ चलने का प्रयास करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि अंबेडकर को हम कहीं
अंधों का हाथी ना बना लें कि जो मेरे से मेरे हिस्से में समझ में आ रहा है उतने ही डॉक्टर अंबेडकर हैं। अंबेडकर एक बहुत विराट व्यक्तित्व है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी धन्यवाद बहन, बहुत बहुत साधुवाद हेमलता बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, हम लोग सुनना भी चाहते थे आपसे। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आप प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स पे छोड़ दें। मैं राजेश प्रसाद गौर जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी, कुछ और भी कहा आपने शायद, वो मैं सुन नहीं पाई। मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पर्सनली भी बात करूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर आप चैट बॉक्स में छोड़ देंगे प्लीज। मैं नवोदय विद्यालय वैशाली बिहार से हूँ, राजेश प्रसाद गौर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम परिचय का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इसको दयाशंकर जी, प्रिंसिपल जीआईसी हमारे बीच में जुड़े हैं। दयाशंकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अपना परिचय दीजिएगा दयाशंकर जी। शायद सुन नहीं पा रहे मुझे। मानिक कुमार को बुला लो सर। जी बुलाइए। थानेश कुमार जी, थानेश कुमार, चलिए हमारे हमारे बीच में हैंड रेज है जी। अच्छा, हैंड डाउन कर लिया, कोई नहीं। हमारे बीच दौलत सिंह जी हैं अमरोहा से, वो आए अपना परिचय दें। दौलत सिंह जी, दौलत सिंह सर अमरोहा से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। योगेंद्र जी, हम परिचय को 9 बज चुके हैं, यही रोक के और कॉन्सेप्ट पर हम नहीं। पहले आप परिचय रोक दीजिए और कॉन्सेप्ट पे आइए आप, ठीक है ना? प्रकाश जी को बुलाए, प्रकाश जी को बुलाए, प्रकाश जी को। 132 लोगों की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। सर दो हैंड रेज है, ने भी ले लीजिए पहले। हाँ सर, मैं अब ये रिंकलिंग का जो समय है 9 से 10 का, वो श्रद्धे जेपी सिंह अम्बेडकर जी और अतेंद्र पाल सिंह, मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो कार्यभार एंकरिंग का है वो आप संभाले दोनों साथी। क्या मेरी बात सुन पा रहे दोनों साथी? जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद जी। जेपी सिंह जी, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर जुड़े सभी साथियों का मैं पुनः हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे आप लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे से मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, जैसा कि हमारे साथियों का हैंड रेज है, तो मैं श्यामजी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने वक्तव्य बताने का कष्ट करें। श्यामवीर सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो श्यामवीर सिंह जी, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। ओके, अपना माइक खोलिए। हमारे बीच में जुड़े हैं ओम प्रकाश जी, होम मिनिस्ट्री से हैं, बहुत ही क्रिएटिव और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और आए दिन वो लोगों के बहुत बढ़ चढ़ का सहयोग करते हैं। उनका हैंड रेज है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे भी करके आएं और अपने माइक को म्यूट करें, अपने वक्तव्य देने का कष्ट करें। जय भीम नवोदय। मैं कहना तो कुछ नहीं चाहूंगा, आज हमारे बीच में एक बहन जी हैं वीरमती जी, प्लीज उनका परिचय कराएं। पहले दिन है उनका, फर्स्ट डे है और बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कंसेप्ट भी सुना हुआ है अभी, प्लीज परिचय कराएं। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपका अनुरोध है, तो उसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा वीरमती जी से कि वह कृपया करके आज अपने सब्जेक्ट का वक्तव्य देने का कष्ट करेंगी। वीरमती जी अगर हमें ये बात सुन रही हो तो कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करें। वीरमती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है सर। यस मैम, यस प्लीज, ओके। हाँ जी सर,
जी मैम अपना परिचय दीजिए और वी द पीपल के बारे में आपका क्या समझते हैं उसमें अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। बहन जी वीडियो भी ऑन, हां वीडियो ऑन, हां वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज। हां जी थैंक यू जी मैम। इंट्रोडक्शन सर, मैं वीरमती नाम है मेरा, इंदिरा हॉस्पिटल में एएनएस हूं। और वक्तव्य तो सर यही है कि अभी आप लोगों का ये लेक्चर सुना है, सुन के थोड़ा देखते हैं क्या है आगे कैसे बढ़ा जाएगा आप सब लोगों के साथ मिलके। आपको कैसा लगता है मैम, आप लेक्चर सुन रही हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? लेक्चर सुन के तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, इम्प्लीमेंट हो सकता है ग्राउंड पर? सर इम्प्लीमेंट तो यही है कि अगर हम करना चाहेंगे तो हो पाएगा, अगर हमारे अंदर बीच होगी सर, जितनी हेल्प हो पाएगी उतनी तो करने की कोशिश करेंगे। चलिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू जी मैम। सर मैडम का सर फोन नंबर चैट बॉक्स में डलवा दीजिए। वीरमती मैम आपसे अनुरोध है कि कृपया करके अपना जो फोन नंबर है उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आप सब भी साथी लोग लाभान्वित हो जाए। हाँ जी सर, ठीक मैम, थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्यामा वीर सिंह जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन्होंने हैंडरेज भी किया हुआ है और मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया करके अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। श्याम वीर जी हैंड किया है बट सुन नहीं पा रहे सर। चलिए तो कोई बात नहीं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जेपी सिंह जी, सर सर ऐसे एक बार थोड़ा बोल दो कि हैंड रेज कर ले, काफी लोग नए जुड़े हैं आज अभी। अच्छा सर ओके, साथियों हैंड रेज कर लेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल परियार सर, बिल्कुल थैंक यू। जी 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 यस प्रकाश जी, हमारे एक साथी है जिलाध्यक्ष SC ST बेसिक टीचर वेलफेयर बरेली से शांति स्वरूप बौद्ध जी, तो पहली बार शायद आज जुड़े हैं तो उनका परिचय हुआ नहीं है तो आप बुला लीजिएगा समय देख करके। थैंक यू ओके ओके, उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो माइक पर नहीं आए, बुलाया गया था उनको, दोबारा बुला लीजिए। साथियों जी 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 साथियों, मैं एक बार आज की वेबिनार में पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी नवीन साथी जुड़े हैं, चूंकि आज उत्तर प्रदेश स्पेशल मीटिंग हो रही है तो मैं सभी जो नवीन साथी जुड़े हैं मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वे कृपया करके हैंड रेज कर दें और अपना परिचय देंगे, मैं उनको नंबर एक करके नंबर नंबर से बुलाऊंगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी नए साथी जुड़े हैं कृपया अपना अपना हैंड रेज कर दें जिससे कि उनको बुलाने में आसानी हो सके, उनकी बात रखवाने में आसानी हो सके। थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा SC ST संघ के अध्यक्ष जी को, शांति स्वरूप बोध जी कृपया करके आए और वह भी अपने भक्त वेदन कष्ट करें। शांति स्वरूप बोध जी SC ST बहुत बहुत धन्यवाद एवं बाबा, आज मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर मैं इस मीटिंग में सम्मिलित हुआ और विशेष तौर पे प्रकाश सिंह जी का, क्योंकि विगत में भी हम काफी दिनों से ये वार्तालाप करते रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं और कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर उनकी आकांक्षाएं जाग जाती हैं और वो समाज को कार्य ना करके इंडिविजुअली काम करने लगते हैं, और इसी मुहिम को लेके हम लोगों ने 2005 से काम प्रारंभ किया। किसी में परिचय देना चाहिए, पहले मेरा नाम शांति स्वरूप है, एट प्रेजेंट जिलाध्यक्ष हूँ SC ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन जनपद बरेली का, और ये मुहिम हमने यहाँ प्रारंभ की थी SC ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, बाद में कन्वर्ट हुआ SC ST बेसिक टीचर्स कल्याण समिति के नाम से। जब एम नागराज का डिसीजन आया था उस समय मैं दिल्ली में कार्यरत था और जब ऑल ओवर इंडिया में ये सिचुएशन मैं देखता कि हमारे लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन आते हैं उन पे कितना प्रभावी रूप से उनका निस्तारण होता है, तो देख के एक आकांक्षा जागी कि ये सर्विस छोड़ने के बाद जब मैं सिविल लाइफ में जाऊंगा तो अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और इसमें हमारे भाई प्रकाश सिंह से एक साथी थे इस संगठन में, उन्हें बहुत कुछ संगठन को दिया
समाज को आज भी दे रहे हैं, और बी जो ये हमारा जो एक मुहिम है, एक बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं आशा करता हूं कि इसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, मैंने विचार सुने प्रकाश सिंह भाई के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि उसमें जब हम प्रारंभ करते हैं तो कई फेजेस का हमें सामना करना पड़ता है, और उन फेजेस में जाते हुए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आई को कैसे समाप्त करें। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला फंडा है, जिस दिन आई समाप्त हो गई तो हम बी पे आ गए, तो वहां पर एक अपनापन की भावना फील होती है, और जब अपनापन की भावना फील हो जाती है तो संगठन स्वतः ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ये बात सही है प्रकाश सिंह भाई की, कि बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि संगठन से जब लोगों को जोड़ने की बात आती है, काम करने की बात आती है, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जिन पे काम करना, योजना बनाना और इम्प्लीमेंट करना, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें कार्य करना है। जहां तक बात है आज की विभिन्न समस्याओं की, उन समस्याओं को हम देख रहे हैं और लड़ रहे हैं, और जहां तक बात है संगठन की, संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन उनका एक इतिहास रहा है। जब उच्च वर्ग के संगठनों की बात करते हैं, वो एक मंच पर जब आते हैं वो टूटने की बात नहीं करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। हर एक मंच पे ये देखता हूँ, एक ब्राह्मण महासभा है जो आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, और हम आपने सभी ने ये देखा होगा कि उनके पास सभी एक सर्विस से लेके एक जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनका सबका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, और उनका जो सिस्टम है वो एक, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम बेस्ड है। तो हमने भी ये प्रयास किया कि इंडिविजुअल बेस्ड ना हो के जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो सिस्टम बेस्ड हो, इंडिविजुअल सिस्टम से जुड़े ना के इंडिविजुअल से जुड़े। और जिस दिन ये कंसेप्ट प्रभावी रूप से लागू हो गया, हमारा समाज और हम सब आगे बढ़ेंगे। चूंकि आज मेरा ये पहला दिन है, मैं सुनने पे विश्वास रखता हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पर मेरे को मौका मिला है, मैं सभी साथियों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वक्तव्य हो वो टाइम बाउंड हो, हर एक साथी को कम से कम 5 से 10 मिनट मिले, अगर 10 मिनट का मीन से 10 मिनट, तो बहुत सारे साथियों के विचार हम आत्मसात कर सकेंगे और एक अच्छी कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज को आगे बढ़ाना, और कहीं भी अगर समाज के बीच के साथ उत्पीड़न होगा हम सभी साथी एक होंगे और उन उत्पीड़न करने वालों को सबक सिखाएंगे, और हम आप सिखा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद शांति स्वरूप बोध जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, और बिल्कुल सर आपने सही कहा, हम लोगों को सबको जुड़ने और जुड़ने का कार्यक्रम करना है, और जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। धन्यवाद, इसी तरह जुड़ते रहिए, और आप पहली बार जुड़े हैं आपका विशेष धन्यवाद, थैंक यू, और साथियों को जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी क्रम में हमारे साथी ने हैंड रेज किया हुआ है, जीवन कुमार जी उत्तराखंड से हैं, तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वह भी अपना वक्त बदल सकते हैं। जीवन कुमार जी प्लीज अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। जीवन कुमार जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, फोटो नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा चलिए, आ गई आ गई। जय भीम, नमोदय सर। नमोदय जय भीम सर। जैसे मेरा नाम जीवन कुमार है सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैं वर्तमान में सर केदारनाथ में ड्यूटी करता हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्टेनो हूँ सर। और मेरा कहना यही है सर अभी कि जो अभी मैं स्टडी की और इतने प्रयास के बाद जो है सफल हुए, वो सब बाबा साहब की कृपा है कि उनके अकॉर्डिंग हमें खोल के अपने जीवन में जीने का मौका मिला। और सर जो हमारा विलेज है वो उधम सिंह नगर जसपुर उत्तराखंड में पड़ता है, बावरखेड़ा सर। हम सभी लोग वहाँ पे 5-6 हजार हमारे SC वाले लोग हैं, और सभी हम बाबा साहब को मानते हैं सर, और उनकी मूर्ति भी हमने स्थापित कर रखी है। और अब हमारा विचार है कि हम एक 10-12 फीट से बड़ी भी फुट एक मूर्ति स्थापित करेंगे, और एक अम्बेडकर पार्क भी बनाएंगे। और सर हमारा विचार है कि हम ऐसे प्रयास करें और अपने जो हमारे कुछ भाई लोग या कुछ ऐसे हैं जो गरीब हैं उनको सपोर्ट करें, और अपने जीवन में आगे जैसे जो हमारे जय भीम भाई हैं या और साथी हैं उनको हम जागरूक करें, और बाबा साहब के
अनुसार ये बाबा साहब ने जो भी हमारे लिए योजना चलाई थी उनको हम बढ़ावा दें और आगे के लिए बनाए रखें सर। अभी हमारा प्रयास चल ही रहा है सर और हम सभी भाई जुड़े हुए हैं। अभी मैं इतना ही कहूंगा सर और तहे दिल से सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर जेपी सिंह सर, निरंकारी बोलो। अच्छा सर, सर सर जी 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 सर, हमारे बीच में बस्ती से ज्ञानदास कनौजिया जी हैं, जो शिक्षकों के शिक्षक हैं, डाइट पे पढ़ाते रहे 18 साल का, बड़े अनुभवी है और लगातार हमारी 4-5 दिन से बैठक में आ रहे हैं, मीटिंग में, जूम मीटिंग में, और बड़े गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं, उनका विचार लेने कष्ट है सर। ज्ञानदास कनौजिया, जनपद बस्ती। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी लेता हूँ सर, अभी लेता हूँ। तो बहुत बहुत साधुवाद जीवन कुमार जी, आप उत्तराखंड से जुड़े थे, आप इसी तरह जुड़ते रहिए और अपने सिंचाई विभाग के और साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू जीवन कुमार जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि निरंकार जी ने अनुरोध है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ज्ञानदास जी को, जो कि बस्ती से हैं, कृपा करके आए और अपना भक्त वेदना कष्ट करें परिचय के साथ। ज्ञानदास जय भीम, जय भीम जी सर। जय, मैं ज्ञानदास कन्नौजिया, प्रवक्ता डाइट बस्ती, और वर्तमान समय में शिक्षा का कार्य कर रहा हूं सर। और बी द पीपल के संबंध में आज एक हफ्ते से जानकारी मिली है अशोक कुमार। वीडियो आपके नहीं आ रही है कन्नौजिया जी, वीडियो आपकी फोटो नहीं आ रही है। लाइट नहीं है मेरे यहाँ ना। अच्छा चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। फिर और अशोक जी से मेरी ऐसे अचानक बात हो गई जी, किसी ग्रुप में जुड़े थे तो गूगल पर सर्च होकर के उनका नाम आ गया, हमने उन्हें कॉल किया तो उन्हें बताया, फिर इस मामले में सारी सर से मेरी बात हुई। तो मुझे लगा कि आज तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग संगठन बनाए और जब उन्हें लगा कि 4-6 दनपजों में 100-100 लोग उनके पास, 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग जुड़ गए, तो निहित स्वार्थ को लेकर के वो टूट करके पार्टी बनाए और उन्हें ऐसे लगा कि जैसे आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे ही बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे लगा हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ काम करता है और जो ज्यादा तेज गति से उस संगठन में काम करना शुरू करता है तो उसे लोग छांट करके अलग कर देते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ओवरटेक कर जा रहा और मैं पीछे छूट जाऊंगा। किंतु विद द पीपल में जुड़ करके ये लगा कि इसमें हर व्यक्ति के पास जो प्रतिभा हो, जो कार्य करने की क्षमता हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है और उसके साथ जुड़ने और जोड़ने से ही हम संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमें काम करना चाहिए। सुनता हूं, अनुभव मेरा कम है और शिक्षक होने के नाते बस सीखना मेरी पहली प्राथमिकता है। जब मैं सीख करके अपने आप को बेहतर बना लूंगा तो काम तो आदमी स्वतः करना शुरू कर देता है, पहले उसके पास स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो इन्हीं कुछ के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नव बुधा, जय भीम। जय भीम सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका ज्ञानदास जी, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए, आपका धन्यवाद। सिंह सर, जेपी सिंह सर, सर सर ठीक जी, ठीक 10 बजे सुधीर राज सिंह जी को भी लेना है, ठीक है। अच्छा, तो उनसे उनसे पहले 2-3 जो है ने ले पहले जो अशोक कुमार जी के हैंड भेजे उनको बुला लो। ओके ओके, थैंक यू सर। युगेंद्र कुमार जी हमारे बीच में हैंड रेज है, मिस्टर अशोक कुमार जी हैं मुरादाबाद से, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया करके वो भी अपना भक्त बदना कष्ट करेंगे। मिस्टर अशोक कुमार जी मुरादाबाद से। हेलो सर, जय भीम जी, जय हिंद महोदय, जय हिंद महोदय सर, पहचान गए सर। बिल्कुल बिल्कुल पहचान गए। सर मैं भी लगातार जुड़ रहा हूँ, सुनता हूँ, लेकिन परिचय के रूप में आज ही मैं जुड़ा हूँ। मैंने कहा चलो सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और
अगर हम वास्तव में जो सोच रहे हैं अगर ये फलीभूत हुआ, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बहुत ही कारगर साबित होगा समाज के लिए जी। तो हम तो कामना करते हैं इस बात की कि हम इसमें पूर्णतः सफल हो, और जैसे भी हम हैं कुछ इच्छाएं रखते हैं अपने समाज के प्रति कुछ काम करने की, कुछ समर्पण की, और जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम हर तरह से इसमें सहयोगी रहेंगे, साथ रहेंगे। और अभी इतना ही कहना मेरे हिसाब से उचित होगा कि हम इसमें पूर्ण समर्पण दिखाएं, साथ रहें। जय भीम नमोदाय। नमोदाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद अशोक कुमार जी, आप इसी तरह जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा आपको, आप जुड़े और साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, मैं लगातार कर रहा हूँ सर, पूरा प्रचार कर रहा हूँ, और इसमें मतलब जितने भी मेरे परिचित हैं उनको सबको मैं लिंक भेजता हूँ, उनमें कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं, थोड़ा सा परिचय थोड़ा अधूरा ही रहेगा मेरा, मैं गन्ना विभाग में हूँ, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, और इस समय बदायूं में पोस्टिंग है मेरी। आपने चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा ताकि और साथी लोग लेने, मेरे पास आपका नंबर है। थैंक यू जी जी सर, जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नवोदय जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करने भगवत किशोर जी चंदोसी से हैं, मैं उनको भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह भी अपना वक्त बदाना कष्ट करें। भगवत किशोर जी, जनपद चंदोसी। सर, सर जय भीम, नवोदय सभी के लिए। नवोदय जय भीम सर, और जनपद संबल के चंदोसी कस्बे से हूँ, और मैं सर जेपी सिंह जी से एक अनुरोध करूंगा कि सर मैं तो पुराना समय से जुड़ रहा हूँ, जो नए साथी आए हैं उनको मैं अपना समय समर्पित करता हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत साधुवाद आपका भगवत किशोर जी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कोई आपको आप जगह मोहताज नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सर। जी जी, ओके सर, थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच जुड़े हैं अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी जुड़े हैं हमारे बीच में, अगर मैं मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया करना परिचय देना कष्ट करेंगे। अजीत सिंह जी, अजीत सिंह हमारी बात सर नहीं पहुंच रही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रजनंदन प्रसाद जी को, जो कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हैं। ब्रजनंदन जी, ब्रजनंदन प्रसाद जी, अगर जी सर, इनका हो गया सर, हो गया इनका, हो गया, ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। कोई नहीं, सर्वेश कुमारी जी हमारे बीच में जुड़ी हैं, मैं उनसे अनुरोध है कि कृपया करके अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। सर्वेश कुमारी जी, सर्वेश कुमार जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना वक्तव्य देना कष्ट करेंगे। राजेश्वरी हमारे बीच जुड़ी हैं, मेरा अनुरोध है राजेश्वरी जी से कि अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करें और आज अपना परिचय देते हुए वक्तव्य देना कष्ट करें। राजेश्वरी जी, राधेश्याम जी हमारे बीच जुड़े हैं। राधेश्याम जी, अगर आपके बीच आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया करके अपने वक्तव्य देना कष्ट करेंगे। राधेश्याम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सब साथियों को? हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैंने चंद्रपाल जी का हैंड रेज है। चंद्रपाल जी का हैंड रेज है। ओके ओके, मैं हैंड रेज ले लेता हूँ सर, थैंक यू। हमारे एक साथी हैं चंद्रपाल सिंह जी, उनका हैंड रेज है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वह भी अपना माइक को अनम्यूट करें और अपना परिचय देते हुए अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। चंद्रपाल सिंह जी प्लीज। साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जिला अलीगढ़ का हूँ और वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ। सन 1995 से मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये जो मुहिम आपने चलाई है बड़ी सराहनीय है। चंद्रपाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। यस, कंटिन्यू। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं दिल्ली से हूं और यहां पे बाय प्रोफेशन मेरा
लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम है। समाज के जो संगठन है उनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ने और जोड़ने का काम बखूबी हम कर रहे हैं दिल्ली में। जिस तरह से सभी के धर्म ग्रंथ बने हुए हैं उसी तरह से हमारा भी एक धर्म ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों का समावेश है, वो भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चे कुर्बान करके हम हमारे बच्चों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए जो ग्रंथ लिखा है वो भारतीय संविधान है। हमें उसी को अपना गुरु मानकर उसको पढ़ना चाहिए और अपने मौलिक अधिकार हैं उनको समझ कर सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहिए और जो संवैधानिक नियम कानून हैं उनको हमें मानना चाहिए और वही मुहिम हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, क्योंकि सभी लोगों ने अपने घरों में रामायण गीता हनुमान चालीसा उनके साथ साथ हमें ये मुहिम चलानी है कि एक ग्रंथ नहीं कह सकते, महाग्रंथ ऐसा है जो कि बाबा साहब ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ में लिखा है, वो भारतीय संविधान है। जब तक हमें भारतीय संविधान के नियम कायदे कानून में नियत अधिकारों का पता नहीं चलेगा तब तक आगे काम नहीं कर पाएंगे। वास्तव में जो बाबा साहब के तीन मंत्र थे ब्राह्मण ठाकुर बनियों ने अमल में लेके आए हैं, हम लोग अमल में लेके नहीं आ रहे। बाबा साहब के बाकी ये पंचायत बहुत अच्छी है, बहुत सारे आते हैं, सुझाव आते हैं, तो बस अपनी बाणी से प्रणाम करेंगे ताकि हम लोग आप लोग उनके साथ में हैं, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, विचारधारा एक होनी चाहिए। राजेश कुमार जी को ले लीजिएगा, अंबेडकर जी। ओके ओके थैंक यू। मेरी आवाज पूरी नहीं आ पा रही थी। चंद्रपाल जी आपको बहुत साधुवाद। राजेश कुमार जी हमारे बीच में जुड़े हैं। राजेश कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया करके वह भी अपना वक्तव्य देना आकाश करें। राजेश कुमार जी राजेश कुमार जी के पास साथ उस आवाज नहीं पहुंच रही है, तो एक साथी हमारे दूसरे हैं किशोर मान्यवर, उनका भी हैंड रेज है, कृपया करके वे अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। मैं स्कीम से संजय ने इनोवेट किया तो हम सब लोग आपस में बैठ के देख रहे हैं, हम गांव गए थे। एक मिनट मिनट और हम भी यहाँ सब बैठे ये सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हमें टाइप पे बैठे हैं। हेलो हाँ जी हाँ जी किशोर जी आपकी बात, अपना पैसे दे दीजिए प्लीज। बोलिए मनोहर जी बोलिए। मैं गुजरात से राज डिस्ट्रिक्ट से गांव में रहते हैं, काफी दिन इसमें जुड़ा हूँ और जो लक्स कमांडर है ना संजीत भैया उसने मुझे लिंक भेजी है और मैं अभी इसमें मतलब 6-7 दिन से कंटिन्यू जुड़ा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह जुड़ते रहिए। थैंक यू। ममता जी को ले लीजिएगा। किसको? ममता जी। ओके चलिए मेरा अनुरोध है ममता जी से कि वह भी कृपया करके अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। ठीक है साथ ममता जी को हमारी बात सुन रही हो तो अपना माइक को अनम्यूट करें। ममता जी सर 10 बज चुके हैं। हाँ ओके अभी एक मिनट बाकी है सर जी। धीर सिंह बोझ जी से मेरा अनुरोध है बरेली से, अगर वह मेरी बात सुन रहे हो तो वह अपना परिचय देना कष्ट करें। मैं राजेश कुमार जयवीर सर। हाँ राजेश कुमार जी आपको तो इनवाइट किया था, प्लीज कंटिन्यू अपने परिचय दें और पीपल के बाद कॉन्सेप्ट कैसा लगता है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। जी मैं राजेश कुमार वाराणसी से और मैं मेरी अपनी बी आर फार्मा एंड डिस्ट्रीब्यूटर है
और मेरा मेन बेसिकली मेडिसिन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग। तो बी आर फार्मा एक्चुअली मैं बाबा साहब के नाम से मेरी फर्म है, मेरी तीन फर्म है। और मैंने कई बार इसके पहले भी ये अनाउंस किया है कि अगर यूपी में कहीं भी कोई कैंप लगता है तो मैं उसकी जो भी मेडिसिन होता है मैं उसको फ्री कराता हूँ अपने वी आर पीपल के तहत। और वी आर पीपल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी एक एनर्जी है ये पूरा जोड़ने का काम है। और जो वास्तविकता चाहिए था जो पढ़े लिखे लोग और जो इस तरह के लोग खोज रहे थे कि कोई ऐसी चीज मिले जिससे एक एक समाज के प्रति एक ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि लोगों को लगे कि एक ऐसा भी ग्रुप बन सकता है। और ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था जी जी। और बस यही है कि उसके अलावा हमारा तो मेन बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसीलिए बहुत नहीं अटेंड कर पाता हूँ। मैं अधिकांश टूर पे रहता हूँ क्योंकि आपके उधर कोई नहीं। सर कोई नहीं, आप जब भी आपको समय लगे आप जुड़िए और साथियों को जोड़िए और अपना चैट बॉक्स नंबर छोड़ दीजिएगा। और बाकी सर आपको बहुत ओकेजन मिलेंगे जहाँ अपना आप कैंप लगा सकते हैं। और म्यूजिक प्रसंग बहुत तेजी से बहुत बढ़ रहा है और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। उसके अलावा मैं डिक्की का भी मेंबर हूँ, डिक्की का दलित इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का भी मैं मेंबर हूँ। और इस समय वाराणसी का मैं अध्यक्ष हूँ। और इसके अलावा हमारे पे किताब भी लिखी गई है, बुक भी लिखी गई है दलित इंटरप्राइजेस। ओके ओके। जो दलित बिजनेसमैन है उसपे किताब भी लिखी गई है। तो ये अभी तक तो जो भी सर्चिंग हुई है उसमें मैं अभी तक पहला बंदा हूँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। बहुत शानदार सर, बहुत बधाई हो आपको, बहुत सुंदर। उसी के बिहाफ में चलिए जुड़ते रहे और साथियों को जोड़ते रहे, हमारे साथ बने रहिए सर। सर अपना नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। जी सर जी सर। दस बज गए हैं तो मैं अब इसी क्रम से आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री राजजी को कि वे आए और आज के मीडिया कॉन्सेप्ट का अपना बजाना पेश करें। सुधीर राज जी सर, धन्यवाद सर। सुधीर राज जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया आज के कॉन्सेप्ट अपना वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट तो आज का 9 बजे प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया बता दिया है। कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कल यहाँ एक विदा पीपल के लोगों के साथ में जो पहली किताब छपी है उसका विमोचन होगा और वो पहली किताब है जिसमें वी का लोगो लगा है। तो कल 9:20 पे अधिक से अधिक लोग जो भी साहित्य के वो आए और कोशिश करें कि हम लोग अपना पैसा बचाएं, क्योंकि 221 रुपये पर डे में हमारी मीटिंग होती है तो कम से कम 221 आदमी तो आए जो 1 रुपया पर डे पे मीटिंग हो हमारी। खर्चा बढ़ा रहे हो आप लोग, 2 रुपये पर डे पे मीटिंग होगी तो कैसे चलेगा देश? इतनी महंगाई में अगर एक आदमी पर 2 रुपये खर्च करेंगे तो हम तो डूब जाएंगे। तो कोशिश करें कि कम से कम 400 आदमी आए तो 8 आने पर आदमी 50 पैसे पर आदमी पर हमारी मीटिंग हो तो थोड़ा लाभ हो जाएगा वी द पीपल को ना, वी द पीपल का पैसा बचेगा। क्योंकि 221 रुपए लगते हैं एक दिन के, तो 221 आदमी कम से कम आने चाहिए। आज 140 आदमी आए हैं और ये लगभग 140-145 के करीब रोज पहुंच रहे हैं और लगभग 100 आदमी आते जाते हैं तो 250 आदमी बैठते हैं, मगर स्टेबल आदमी कम से कम 221 होने चाहिए। तो सभी लोग मेहनत करें कि 221 से कम ना रहे ताकि 1 रुपये पर आदमी पड़े। एक लड़का हमारा शराब पी के आया और शराब पी के आने के बाद में वो घर में शराब पी के जब आया तो उसके पिताजी ने लठ उठा लिया और उसकी ठुकाई करनी शुरू की। शराब पी के आया है, तेरी अकल खराब है, तुझे दिखाई नहीं देता कि शराब कितनी बुरी चीज है, नालायक, तू अपने मन पे इतना नहीं समझा सकता कि शराब ना पी जाए। तो माँ तो बेचारी ममता से भरी हुई तो बचाव में आ गई, इसका क्या कसूर है? शराब का ठेका यहाँ खुला हुआ है, आएगा जाएगा, खुशबू उड़ेगी, इसका मन ललचा जाता है, इसे क्यों मार रहे हो, इसका क्या है? ठेके वाले को मारो, ठेके वाले का कसूर है, ठेके वाले ने ठेका यहाँ खोल रखा है, लोग आएंगे जाएंगे तो उनका तो नियत करेगी, उनका तो दिमाग वहाँ जाएगा। तो वहाँ ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि ठेके वाले का कसूर है या लड़के का कसूर है। शराब पी के आया, बाकी बुराई तो साथ लाया। तो कई बार जब हम यहाँ बात करते हैं, हमारे प्रकाश जी जो कंसेप्ट बताते हैं और भी लोग बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम मारे जा रहे हैं और मारे जा रहे में जो कसूर है वो हमारे जो संगठन है उनके नेताओं का है। तो कुछ लोग उसके बचाव में आ जाते हैं, वो कहते हैं संगठनों का क्या कसूर है,
आज अगर तुम यहाँ बोल रहे हो तो संगठनों की वैसे बोल रहे हो, ये सब संगठनों ने किया है, संगठनों का कोई कसूर नहीं है, तो भी कसूर फिर जनता का है। बस दोनों में से तो किसी का एक का कसूर है, या तो पब्लिक का कसूर है कि वो संगठनों को मान्यता दे रही है, या संगठनों का कसूर है कि वो लोगों से मान्यता ले रहे हैं, उनको मूर्ख बना रहे हैं। मगर परिणाम ये है कि भाई हम तो शराब पी के हमारा शरीर तो खराब हो रहा है, हमारा तो लीवर खराब हो रहा है, हम तो मरने वाले हैं। तो इस लड़ाई में, इस झगड़े में ये बात तय करनी बड़ी मुश्किल है कि दोषी कौन है। दोषी जनता है, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने इतने सारे संगठनों को मान्यता दे दी, और वो संगठन जो ये नहीं समझते कि भाई जब तक इकट्ठे नहीं होंगे हम बचेंगे नहीं, या दोषी वो संगठन है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। और अगर तय ना हो तो एक बात तय है कि जो बाप कहता है कि इसको लठ मारो ये ठीक हो जाएगा तो शराब नहीं पिएगा, वो बात भी ठीक है, और जो माँ कहती है कि इसका क्या कसूर है, ठेका आसाम में खुला हुआ है, वो बात भी ठीक है। तो हम इस सिचुएशन में हमें आना पड़ेगा कि बाप अगर लठ मारे तो हमको ठीक हो जाना चाहिए कि हमें शराब नहीं पीनी है, और हमें इस सिचुएशन में आ जाना चाहिए, इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि हम उस ठेके को परमानेंट बंद करा सकें और खत्म कर सकें, तो फिर बीमारी पूरी कट जाएगी। यानी हम अपने आप में भी संयम रखें कि हमको शराब नहीं पीनी है, जब हम ठेके के आगे से निकले देखना भी नहीं है उधर, बल्कि उस रास्ते जाना भी नहीं है। और हम ऐसी भी कोशिश करें कि हम वो सिस्टम अपने हाथ में ले लें, या उस सिस्टम पर दबाव डालें, या उस सिस्टम को लिखें या बोलें कि भाई ये शराब का ठेका भारत के लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए, तो इसको हटाया जाए। तो दोनों काम किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि दोनों काम किए जाएंगे तो परिणाम जल्दी आएगा। एक काम करोगे तो परिणाम नहीं आएगा। मान लो आपने संयम रख लिया कि शराब नहीं पीनी है और ठेका सामने है, कभी मन किया कि अरे आज होली है, आज दिवाली है, चलो थोड़ी सी पी ली, तो पी ली ना, फिर आपने तो उतना लीवर तो खराब होगा, उतना शरीर तो खराब होगा। और अगर ठेका ही नहीं होगा तो फिर मन भी करेगा तो पियोगे कहाँ से, तो परमानेंट इलाज तो ठेका हटाना ही है और संयम रखना है, क्योंकि टेम्पररी इलाज है। अगर आप सारे पीनी बंद कर दोगे तो ठेका अपने आप भाग जाएगा, उसकी खरीदेगा कौन। तो ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि आपको शराब पी के नुकसान अपने शरीर का करना है या नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि बुराई से जो आपको लड़ना चाहिए, देखो बुराई इसको खत्म करो, बुरे व्यक्ति को खत्म मत करो। कुछ लोग कहते हैं जी कि बुरे व्यक्ति को खत्म कर दो तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं दोनों को खत्म कर दो झाड़ खत्म हो जाए। तो ये जो बुद्ध जैसा जो व्यक्ति है, जब वो करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मेहता चार बहुली बिहार में रहता है, तो लोग कहते हैं देखो भगवान बुद्ध कभी किसी की बुराई नहीं करते, भगवान बुद्ध ने कभी किसी को बुरा नहीं किया। भाई भगवान बुद्ध ने अगर कभी किसी की बुराई नहीं की और कभी किसी को बुरा नहीं कहा तो लड़े किससे, वो चाहते क्या अभी, फिर वो कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ ठीक ही ठीक है तो फिर बुद्ध का काम खत्म हो गया ना, फिर क्या करना बुद्ध को। कहते वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बहुत बढ़िया बोधिसत्व व्यक्ति थे, उन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, कभी किसी से लड़े नहीं। भाई जब लड़े नहीं तो फिर हम जय जयकार क्यों कर रहे हैं, फिर उनके रास्ते पर चल क्यों रहे, फिर तो सब ठीक है। हमारे जो संगठन है, जो लाखों संगठन है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं विद द पीपल में। जब वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसे बंद करो, अपने घर जाओ, क्यों खामेंगे यहाँ चार चार घंटे लगाने, क्यों लोगों को बुलाना, क्यों जगाना, क्यों दिनरात करना। आधे लोग हमारे बीमार हो गए रात के 1 बजे, पूरे दिन लगे रहते हैं, डॉक्टर लगे रहते हैं। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि भाई बुद्ध जैसे व्यक्ति आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जो लड़ रहे हैं वो बुराइयों से लड़ रहे हैं और बुराइयां जड़ से खत्म कर रहे हैं, तो उनका जो युद्ध है बुराइयों के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर जो लड़ रहे हैं वो बुराइयों से लड़ रहे हैं, और बुराई कहीं हवा में नहीं आती है, बुराई किसी के मन में आती है, किसी के दिमाग में आती है, किसी के शरीर में होती है। कोई व्यक्ति होता है जो उसका वाहक होता है, कोई समूह होता है जो बुराइयों को चलाता है, कोई ग्रुप होता है जो ठेके लेता है और ठेके चलाता है, कोई ग्रुप होता है जो उसको ठेके आवंटित करता है और ठेके खुलवाता है और अपने ही देश के नौजवानों को शराब पिलाता है, वो ग्रुप है, वो लोग हैं दुनिया में जो यहाँ ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ड्रग्स लेके आ रहे हैं, बीड़ी बिक रही है, बीड़ी आ रही है, शराब बन रही है, बिक रही है, बल्कि शराब बढ़ रही है। तो वो जो लोग हैं वो बुराई के वाहक हैं, तो
तो वो बुरे लोग हैं, क्योंकि वो बुराई के वाहक हैं तो वो बुरे लोग हैं, और जो लोग अच्छाई के वाहक हैं, अच्छाई को लेकर चलते हैं, वो अच्छे लोग हैं। तो अच्छे और बुरे के लिए ही झगड़ा है जो बुद्ध ने किया। बुद्ध ने बुरे लोग अच्छे बना दिए वो अलग बात है, मगर बुरे लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुराइयों से लड़ने के लिए संविधान बनाया, तो बुराई थी और बुराई अभी भी है और अब ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप कहीं बुद्ध की खाली वही क्वालिटी लेके चलोगे, करुणा मैत्री भाईचारा मुदिता, और हम तो देखो बुरे व्यक्ति से भी घृणा नहीं करते, बुराई से करते हैं, अगर ऐसा सिद्धांत लेके चलोगे तो भी मारे जाओगे, और बुराई से घृणा नहीं करोगे, खाली बुरे व्यक्ति से घृणा करोगे तो भी मारे जाओगे, और अगर दोनों को साथ लेके चलोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए जब यहां बार बार ये कहा जाता है कि संगठनों ने जब काम करने थे उनकी उम्र पूरी हो गई, वो जो टेक्निक से काम कर रहे थे वो काम पूरा हो गया, जैसे पुराने जमाने में जो तंबाकू की दुकान चलाते थे लोग, तंबाकू बेचा करते थे बना के हुक्के का, वो आज बर्बाद हो गए क्योंकि बीड़ी आ गई, सिगरेट आ गई। तो हालांकि है तो बुराई का काम, मगर उनका बिजनेस व्यापार बंद हो गया। वो तंबाकू बनाने वालों के पता ही नहीं कि खानदान कहाँ है, अगर उन्होंने बीड़ी सिगरेट बेचनी शुरू करी तो बच गए, मालामाल हो गए, और अगर बीड़ी सिगरेट बेचनी शुरू नहीं की और तंबाकू पे अटके रहे तो खत्म हो गए। वैसे ही हर एक काम का, दुनिया में जितने काम है वो काम अपडेट होते रहते हैं। जो 10 साल पहले मोबाइल आया वो अब नहीं चलता, अब अपडेट हो गया है। जो 15 साल बाद जो मोबाइल आएगा वो अभी आया नहीं, जो आज आपके हाथ में मोबाइल है वो 10 साल बाद काम नहीं करेगा, खत्म, कंपनियां खत्म कर देती हैं उसको, उसका कोई अपडेट नहीं आता, क्योंकि अगर वो लगातार चलता रहेगा तो कंपनी मर जाएगी, क्योंकि अगर वो मोबाइल चलता रहेगा तो नया कैसे खरीदोगे, तो उनको तो पैसा चाहिए। ठीक वैसे ही वी द पीपल अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, देखता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमको हर तरह से लड़ना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप ध्यान दोगे कि वो जुड़ नहीं रहे, अभी आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका अच्छा काम पहले अच्छा होगा, मगर अगर वो अब नहीं जुड़ेंगे तो हम पहले काम के आधार पर उनको ये तो कह सकते हैं कि ये पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं है, मगर ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छे हैं और इनको कुछ मत कहो, क्योंकि सामाजिक काम में जब तक सामाजिक काम आदमी व्यक्ति करता रहता है, जैसे आज यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर है, ए के सिंह है, डॉक्टर कंचन लता है, जीवन कुमार उत्तराखंड से हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ये सामाजिक काम जब तक करते रहेंगे, लोग इनकी शक्ल देखते रहेंगे, इनको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। ये जिस दिन छोड़ के चले जाएंगे और लोग आ जाएंगे कोई नहीं पूछता, क्योंकि सामाजिक काम में चेहरे वेहरे की कोई वैल्यू नहीं है, सामाजिक काम में नाम की कोई वैल्यू नहीं है। आप चार दिन काम छोड़ दो आपका लोग चेहरा नाम भूल जाएंगे, आप चार दिन काम करो चेहरा नाम आ जाएगा, मगर चेहरे नाम से कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। बहुत लोग हैं, लाखों की संख्या में है, जो प्रधान जो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, कई बार तो यहाँ पोर्टल पर आते हैं तो अपनी शक्ल दिखाने के जबरदस्ती लोग आते हैं, हमारा चेहरा देख लो, अरे भाई चेहरा देख लो, व्हाट्सएप पे भेज देना, वीडियो बना के भेज देना, चेहरे से कहाँ समस्या सॉल्व हो रही है। हमारा नाम इतना ऊंचा हो गया, अरे भाई तुम्हारे नाम से कहाँ समस्या सॉल्व हो रही है। हम इतने सारे संगठनों में इतने सारे नेता हैं, अरे भैया अगर संगठनों में दम होता, इतने सारे संगठनों की बात होती तो हम भी 100-200-500 संगठनों में नाम लिखा लेते, बहुत सारे कि प्रधान बन जाते, जनरल सेक्रेटरी बन जाते, बहुत लोग पीछे घूमते रहते हैं, ऐसा बढ़िया घोड़ा कहाँ मिलेगा जो कम खाए ज्यादा चले, पर उसमें नाम लिखाने से क्या होता है। तो हमको ये कहना चाहिए कि ये बुरी चीज है और ये अच्छी चीज है। अगर बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो लड़ोगे किससे, अगर कहने में दिक्कत है तो लड़ाई में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अच्छा मत बनो, मीठा मत बनो, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जब अच्छा था अच्छा बोलो, अभी अच्छा नहीं कर रहा है तो बोलो अच्छा नहीं कर रहा है, और जो अच्छा कर रहा है अभी उसको बोलो कि अच्छा है। अगर ऐसा नहीं करोगे और मीठे बने रहोगे तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है उसका एक उदाहरण बताता हूं। एक आदमी गांव से आया दिल्ली के अंदर, गांव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से, बाई चांस पढ़ने में अच्छा था तो जेएनयू में एडमिशन हो गया उसका, जेएनयू में पढ़ने लगा। तो क्या पढ़ने लगा जेएनयू में, हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि जेएनयू में साइंस तो है नहीं। तो यहाँ उसने दिल्ली की चकाचौंध देखी, गांव से आया फक्कड़ सा, खाने पीने को भी नहीं था, यहाँ स्कॉलरशिप मिली तो दिल्ली की चकाचौंध देखी। फिर यहाँ जेएनयू के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स होती है तो ऊपर के लेवल की होती है, यानी कि लोग बसों में भर भर के ले जाते हैं, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात होती है, बढ़िया बढ़िया होटल में खाना फ्री में मिल जाता है, फोटो खिंच जाते हैं। तो उसकी आंखें फट गई, उसने कहा भाई ये तो जीवन बहुत बढ़िया है, यहाँ तो स्वर्ग है जी। वैसे पाली में सग बोलते हैं, सग का मतलब है जो अच्छा होता है, जो सुखी होता है।
तो यहाँ तो सग है, तो भाई यहीं रहना चाहिए और यहीं शादी करनी चाहिए, ऐसा उसने प्लान बनाया। तो शादी भी उसने वहीं की और मेहनत करके थोड़ा पढ़ा तो नौकरी भी बढ़िया ले ली, मगर यहाँ बात नहीं बनी, अब इच्छाएं उसकी जाग गई, उसे रास्ता मिल गया, पर पार्लियामेंट तक भी जाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट जाने का जो सबसे सरल और सबसे सस्ता रास्ता है वो है हमारे जैसे मूर्ख लोग, हमारे जैसे मूर्ख लोगों को इकट्ठा कर लो, बाबा साहब के नाम पे, ज्योतिबा फूले के नाम पे, पेरियार साहब के नाम पे, और उन लोगों को इमोशनली कहो कि भाई, और ऊपर से उनको धमकाओ कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैंने इतना बड़ा नौकरी लिया है और ये देखो ऐसा है और वैसा है। लोग हमारे धमक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अवसर देखा नहीं, अवसरों की कमी है, उसकी बात में आ जाते हैं, तो अपना सब कुछ देते हैं, पैसा भी दिया, ये हमने भी दिया, ये सारा दिया, और वो अपनी इच्छाएं पूरी करता रहा। उसने बढ़िया शादी की, बढ़िया होटल में खाना खाया, जहाज में उड़ने लगा, फिर व्यापार भी तगड़ा करने लगा, अच्छा पैसा कमाया, सेटलमेंट बढ़िया हो गया, मगर उसकी इच्छाएं आगे जागती गई जागती गई। तो व्यक्ति को हम बढ़ाते रहे, हमें पता नहीं, हम तो मूर्ख लोग हैं कि व्यक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई बताता ही नहीं ना कि मूर्ख के व्यक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए, तो अभी हमें जूते खा के समझ में आया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि व्यक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए भूल के भी। व्यक्ति हमेशा बिक जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, भाग जाता है, कहीं भी जा सकता है, खत्म हो जाता है। तो वो व्यक्ति एक के बाद एक जिन जिनको समझ आती गई वो छोड़ते गए और बाकी लोग उससे जुड़ते गए। जैसे आज जो विदा पीपल है, विदा पीपल में तेजी से लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। इनका फायदा उठाना हो तो दो चार व्यक्ति मिलकर उठा सकते हैं आसानी से, वैसे ऐसा होने नहीं देंगे इस बार चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि संघ है। तो उसने फायदा उठाया, तो हमारे जैसे लोग, यानी मैं खुद समझ गया कि ये आदमी हमारा फायदा उठा रहा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, चला जाए, मगर मैं उसका बुरा नहीं बना। मैं क्यों बुरा बनूं, मैं काम आ सकता है कभी, मेरे बच्चों काम आ सकता है, मेरे काम आ सकता है, वरना धौंस तो है ही कि मेरा जान पहचान का है, अगर मैंने उसका बुराई कर दिया वो मेरा शत्रु हो जाएगा, तो मैं जो लोगों को धौंस देता फिरता हूं या उसके साथ फोटो खिंचवाता हूं, फिर उनके मायने खत्म हो जाएंगे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और मुझे बुरा नहीं बनना चाहिए। और फिर मैंने मन को समझा लिया, मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूं, हम तो किसी का बुरा सोचते नहीं, तो उसका नुकसान क्या हुआ कि मुझे 15 साल बाद एक व्यक्ति मिला, तो उसने कहा और भाई साहब क्या हाल चाल है, ये है वो है, उसने उस व्यक्ति का नाम लिया, उसने कहा जी हमको तो उसने बड़ा लूटा, बड़ा पीटा, हमने बड़ा पैसा दिया, बड़ा बर्बाद कर दिया उसने, और जब कुछ रिजल्ट आने की बात हुई, पॉलिटिकल रिजल्ट और कुछ समिति का मेंबर या कुछ पैसा, तो उसने अपने रिश्तेदारों को दिया, अपने भतीजों को दिया, अपने बेटों को दिया, ऐसा उसने बताया। तो मुझे हंसी आई, फिर मैंने उससे कहा भाई देखो मुझे अफसोस है, मैं आपसे माफी मांगता हूं इस बात के लिए कि मुझे बताना चाहिए था कि वो आदमी कैसा है, और मुझे ये सबको बताना चाहिए था कि वो आदमी कैसा है और क्या है, क्योंकि मैं उसे जान गया पहचान गया, तो मैं खाली छोड़ के चला आया, ये मैंने सोसाइटी का नुकसान किया, अपना तो फायदा किया अपना थोड़ा बहुत, हालांकि नुकसान तो मेरा भी हुआ क्योंकि सोसाइटी में मैं हूँ ज्यादा हुआ, क्योंकि वो आदमी को अगर हम तभी प्रचारित कर देते कि आदमी अच्छा नहीं है खराब है, और सब तो सारे लोग हट जाते, तो आगे किसी आदमी के खराब होने की हिम्मत नहीं होती, और जो आता अच्छा आता कि भाई लोग ऐसा करते हैं। तो 15 साल तक वो नुकसान करता रहा लोगों का, मैंने तब तक तो बहुत नुकसान कर चुका था, ऐसे नुकसान करने वालों की संख्या भारत में हजारों है, हजारों है, हजारों, और हम लोग चुप रहते हैं अच्छे बनने के चक्कर में कि हम क्यों इससे पंगा लें, हमारे रिलेशन है, हमारा आना जाना है, हमने फोटो खिंचवा रखे हैं, हमने लोगों को बोल रखा है, हम इसके नाम की धौंस दे देते हैं। मगर अल्टीमेटली ये हुआ कि उस जैसे निकम्मे लोगों को हमने कुछ नहीं कहा और मुंह नहीं खुला, बुरे को बुरा नहीं कहा, हमारी ये स्थिति हो गई कि वो तो मालामाल हो गए, मगर हमारा पूरा समाज नंगा हो गया, हमारे पूरे समाज के अधिकार चले गए, हमारा सब कुछ चला गया, अब हमारे पास ना रोटी है, ना नौकरी है, ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना दुकान है, ना बाहर जाने का कहीं इंतजाम है, ना खेती है, ना कहीं उम्मीद है, सिवाय इसके कि हम इकट्ठे हो जाएं तो सब बचा लें। इसलिए बुरे को बुरा कहना सीखो, अगर बुरे को बुरा नहीं कहोगे और अच्छे को अच्छा नहीं कहोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर से गद्दारी तो करोगे, देश से भी गद्दारी करोगे, अपने बच्चों से भी गद्दारी करोगे, और जब मरोगे तो इस बात का अफसोस रहेगा कि अगर हम वहां बोल देते कि ये अच्छा है और ये खराब है, तो आगे आने वाले लोगों को ये पता चल जाता और ये भाग जाता, तो कोई अच्छा आदमी आता, और अगर ना भी अच्छा आदमी आता कोई, ना भी कोई अच्छा संघ आता, ना भी अच्छे कुछ लोग आते, ना कोई अच्छी व्यवस्था बनती, तो कम से कम इस बुराई से बच जाते, इतना फायदा तो हो जाता। इसलिए हम यहां पोर्टल पे बेबाक रूप से और खुले रूप से और अच्छे रूप से बिल्कुल, और सोचकर और समझकर और पूरी शक्ति के साथ बुरे को बुरा कहते हैं
और अच्छे को अच्छा कहते हैं कि अब हम इस गलती को करने के मूड में नहीं है, अब हमारे पास अच्छे बनने के लिए समय नहीं है, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी गंदे आदमी को अच्छा कहें और इसलिए कहें कि हमें अपनी जवान नहीं गंदी करनी है, या हम अपने सर पे एक ताज पहन लें कि हम तो बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट आदमी क्या बोलते हैं करुणा मैत्री भाईचारे में रहता है, वो किसी की बुराई नहीं करता। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना। बुद्ध ने बुराई को बुराई कहा, बुराई बुरे लोगों से लड़े, हालांकि उन्होंने बुरे लोगों को अच्छा बनाया, पर फिर भी कुछ ऐसे बुरे लोग थे जिनको वो अच्छा नहीं बना पाए और वो ऐसे ही छड़ छड़ के मर गए। बुद्ध ने कभी उनको घास नहीं डाली, कभी उनको अच्छा नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि ये अच्छे लोग हैं। इसलिए संघर्ष हमारा अच्छाई और बुराई से है, और इसलिए बुराई से, क्योंकि जो बुरे लोग जो इसके वाहक हैं उनसे हमारा संघर्ष है, उन्हीं से हमारा एजिटेशन है। इस एजिटेशन को कमजोर ना करें, इस एजिटेशन को डायल्यूट ना करें, इसको खत्म ना करें ये कहते के अरे छोड़ो परे को, हमारा क्या है, ठीक है अपना करेगा तो कर लेगा, मरता होगा तो मर जाएगा, हमें क्या लेना। हमने तो उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, हम तो कुछ कहते नहीं। देखो जी, हम तो अपने मुंह से कहेंगे नहीं कि वो कैसा है कैसा नहीं। भाई अपने मुंह से कहो, लिखो भी, वीडियो भी बनाओ। अगर आप अच्छे को अच्छा कहोगे तो अच्छे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, और खराब को खराब कहोगे तो खराब लोगों की हिम्मत टूटेगी। जब उनकी हिम्मत टूटेगी तो अच्छे जो लोग हैं उनका काम करने का जज्बा बढ़ जाएगा और आपके अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे। ऐसा ही प्राकृतिक नियम है, ऐसा ही प्रकृति में हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। खोल लीजिए माइक अपना। बहुत बहुत साधुवाद सुधीर जी, आपने कभी भी। बहुत बहुत साधुवाद सुधीर सर, आपने काफी विस्तार से बात को रखा और काफी चिंता व्यक्त करी कि वी द पीपल का कॉन्सेप्ट को बताने की और संगठन को लेकर जो चिंता व्यक्त की है। जहां तक मैं समझता हूँ व्यक्तिगत सर, मैं अपना एक दो मिनट वक्तव्य देना चाहूंगा। मैं ऑलरेडी संगठन में काम करता हूँ और चूंकि जैसे कि आपने कहा संगठन को छोड़ना होगा, संगठन के माध्यम से तमाम बाबा साहब को टुकड़े कर दिए, तो मैं चूंकि मैं ये मानता हूँ कि जितने साथी यहाँ जुड़े हैं साथ तमाम साथियों का व्यू अपने आप में अलग अलग होगा। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत व्यू यह है कि जैसे संविधान देश का है जिसे कुछ लोग बुरा भी साबित करते हैं चाहते हैं और कुछ लोग अच्छा साबित करना चाहते हैं, अगर ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो निश्चित रूप से इस देश का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा और जनता के हकाधिकार देने का काम करेगा। लेकिन यदि यही संविधान दूषित मानसिकता लोगों के साथ में अगर होगा, ये जैसे कि वर्तमान में चल रहा है, तो निश्चित रूप से कि यहाँ का अधिकार लोग जनता को नहीं मिलेंगे और वो कुछ चंद लोगों के हाथ में चले जाएंगे। आज देखने में मिल रहा है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरे भारत की देश की सत्ता देने और देश की प्रॉपर्टी देने का काम किया जा रहा है। संविधान वही है बट उसका मिसयूज किया जा रहा है। जहां तक संगठन की बात है, संगठन स्वयं में जो संगठन होता है वो उसका बहुत महत्व होता है। अब से नहीं, प्राइमरी से ही सिखाया गया है संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन बेसिकली उसका जो रिजल्ट है, जो उसका मतलब जिसके हाथ में वो चीज है जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी मानसिकता सही होनी चाहिए। तो मैं तो सर व्यक्तिगत मेरा अपना मानना यह है कि संगठन कोई गलत नहीं होता, संगठन को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग गलत हैं। हमें दूसरों के ऊपर क्या कहते हैं टीका टिप्पणी ना करकर, दूसरों में कमियां निकालकर खुद को देखना होगा कि हम कितने ईमानदार हैं अपने कर्तव्यों के प्रति हैं। बेसिकली मैं स्वयं में ये मानता हूँ कि हम स्वयं दोषी हैं, और जब वो व्यक्ति जब अपने आप को स्वयं को दोषी मानकर काम करेंगे, स्वयं को अपने आप को एनालिसिस करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे की तरफ उंगलियां बहुत उठाते हैं, अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं, अपनी और नहीं देखते कि हम बेसिकली कितने सही हैं, हमने कितनी ईमानदारी से काम किया, हमने किस हमें जो ड्यूटी थी उसमें हमने कितना इम्प्लीमेंट किया। मैं व्यक्तिगत किसी एक को नहीं कह रहा, एक सामान्य बात कर रहा हूँ और मेरा मतलब व्यक्तिगत व्यू है इसके बारे में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यदि सफलता कहीं मिल रही है तो सफलता दूसरे साथियों को देना चाहिए, और यदि कोई दुष्परिणाम आ रहे हैं कहीं घटना ऐसा सफल असफल हो रहे हैं हम लोग, तो उसका क्रेडिट हमें खुद लेना चाहिए कि हमने ये घटना हमसे मतलब हम इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसको सही सफल नहीं कर पाए। और इकट्ठा होने के साथ साथ हमें जो है इसमें जो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही शानदार है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, इसलिए यहाँ पे लगातार जुड़ता हूँ। लेकिन संगठन भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखते हैं, बस सरते उनको सही हाथ में होना चाहिए।
संगठन नाम का जो शब्द है वो अपना बहुत महत्व रखता है, जैसे संविधान अपना महत्व रखता है, मैं लेकिन उसमें है कि इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मानसिकता सही होनी चाहिए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत ये है, जैसे कि बी द पीपल में तमाम साथी आ रहे हैं और 200-250 की संख्या होने के बाद भी आज हम 125 पर रह गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत साथियों से बात होती है, उनकी बहुत सारी मेरे व्यक्तिगत फोन आए हैं कि सर बी द पीपल में ऐसा कर दिया, यहाँ पर मेरे को उल्टा सीधा कह दिया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे समय नहीं दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा समय लेते हैं, मुझे कम समय लेते हैं, उनको ज्यादा अधिकार दे रखे हैं, मुझे कम अधिकार दे रखे हैं। तो ये व्यक्ति हैं सर, जिस तमाम सारे व्यक्तियों की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग देखने का नजरिया हो सकता है, एक व्यक्ति को ए नाम का व्यक्ति सही लगेगा और दूसरे व्यक्ति को ए नाम का व्यक्ति गलत लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारी देखने का नजरिया और हमारी मानसिकता कि उसके प्रति हमारा मानसिकता अध्यय कैसा है। मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों को मेरे बच्चे अच्छे हो सकता ना लगे, तो ये डिपेंड करता है नजरिए से, मैं उसके प्रति अच्छा सोचूंगा तो अच्छा लगेगा, नहीं सोचूंगा तो नहीं लगेगा। तो मैं ज्यादा ना बात करते हुए, समय ना लेते हुए मैं बस यहीं पे व्याप्त करूंगा, और मैं यही चाहूंगा कि हमें सब लोगों के साथियों की भावनाओं की कदर करते हुए उनमें कमी ना निकालकर स्वयं को एनालिसिस करना, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एनालिस करेगा और अपनी कथनी और करनी में अंतर ना करते हुए सिर्फ काम करेगा, और हम लोगों को हर जगह से अच्छा और पॉजिटिव उठाएंगे तो 100% बी द पीपल के कॉन्सेप्ट को सफल करेंगे। और बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और मैं किसी व्यक्तिगत किसी पर नहीं बोला हूँ, व्यक्तिगत मेरा मंतव्य है सर। धन्यवाद सर। सर साहब, सर सर भैया आपने जो भी कहा है वो व्यक्ति के बारे में कहा है, हम जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तियों के समूह के परिणाम के बारे में। देखो व्यक्ति अपने आप में अच्छा है खराब है वो जाने, उसका काम जाने, मगर हम जो चेक करते हैं किसी व्यक्ति को ना परिणाम से करते हैं, कोई संगठन कोई संघ या कोई व्यक्ति या समूह वो समाज में कितने परिणाम दे रहा है ये हमारे पास पैमाना है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या करता है खराब है या अच्छा है उससे उसका व्यक्तिगत मामला है। सर एक चीज मैं कहूंगा सर, प्लीज सर, मैं एक चीज ये कहूंगा सर, 2 अप्रैल 2018 की जो घटना थी, जब तक बी द पीपल नहीं था, संगठनों की देन थी कि हमने सरकार को बैकफुट पर कर दिया, और उससे पहले भी तमाम क्रांति की है वो संगठनों के माध्यम से की है। आप बता सकते हो, आप मुझे आज मैं बता रहा हूँ, आप बता सकते हो कि उसका लोगो कहाँ से बना, किसका लोगो सर? विदा उसका 2 अप्रैल का सर, 2 अप्रैल की घटना को बता दो कि महाराष्ट्र, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, घटना छोड़ो, वो लोगो से स्टार्ट हुआ था, वो लोगो कहाँ से बना, उसका ओरिजिन पता है आपको? कौन सा लोगो सर? जो पूरे इंडिया में चला था जिससे लोग इकट्ठे हुए, कहीं घोषणा नहीं हुई, सिर्फ लोगो चला था एक। सर मैं आपको बता दूं सीधे सर कि मैंने खुद पूरे उत्तर प्रदेश में लीड किया था इस कार्यक्रम को। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि मैंने कोई लोगों को कहीं फोकस नहीं देखा, तो वो देखा कहीं मैंने देखा नहीं। आपको किसने कहा कि 2 अप्रैल को इकट्ठा होना है? ये सर ये है सोशल मीडिया की ताकत की, उसमें वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, वही तो सारे संगठनों ने रिफ्लेक्ट किया सर, सारे संगठनों ने। आप उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहली सूचना सोशल मीडिया से आई ना? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे पहली सूचना किसने दी, वो जानकारी है आपको? ना वो जानकारी सर मेरे को नहीं है सर। कोई बात नहीं, 2014 से विद पीपल चल रहा है, ये जानकारी है आपको? ये सर मेरी जानकारी नहीं थी, 2014 से चल रहा है, मुझे ये जानकारी थी कि 2017 चल रहा है। आप इसे पर्सनल मत लो, आप इसे पर्सनल ना ना ना, मैं पर्सनल बात नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं ले रहा, और मैं किसी व्यक्तिगत विचार पे भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य अपना वक्तव्य देने का प्रयास कर रहा हूँ सर। आपने ठीक किया, जो भी है मैंने इसलिए कहा था आपको कि आप व्यक्तिगत ले जा रहे हो ना इसे, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे कि आप कहाँ संगठन में काम कर रहे हो क्या नहीं है, आप सभी लोग संगठन में काम कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया परिणाम हमारे 0 हो गए, व्यक्ति बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमें उन अच्छे व्यक्ति का क्या करना अगर परिणाम हमारे, देखो कोई आदमी व्यवहार में बहुत बड़े अफसर हो सकता है, व्यवहार में बहुत बढ़िया किसान हो सकता है, व्यवहार में बहुत बढ़िया दुकानदार हो सकता है, मगर उसकी दुकान चौपट हो जाए, उसका खेत चौपट हो जाए, उसका ऑफिस चौपट हो जाए, उसके व्यवहार का हम क्या करेंगे? कोई आदमी व्यवहार में बहुत कड़वा हो सकता है, उसकी दुकान बहुत बढ़िया चले, उसका खेत बहुत बढ़िया चले, उसके बच्चों को अनाज खूब मिले, उसका किसान बहुत बढ़िया चले, तो हमें वो अच्छा लगता है, हमें तो जान बचानी है, हमें व्यवहार से क्या करना है? ठीक सर, थैंक यू। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने तो अपने वक्तव्य दिया है और आपकी बात का धन्यवाद करता हूँ, आपने बात रखा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जेपी सिंह जी, अब जो एंकरिंग का है 10 से 11 का वो डॉक्टर कंचन लता जी और सर्वेश कुमारी जाटव जी, अगर ये दोनों बहने हो तो इनको थोड़ा सा पुकारिएगा, दोनों ये इसका आगे की एंकरिंग करें।
ओके जी सर, जय भीम नमोबुद्धाय, जय संविधान। नमोबुद्धाय, जय भीम। मैडम आपका स्वागत है। और जय भीम नमोबुद्धाय, जय संविधान। सर्वेश कुमार जी का और कंचन लता जी का मैं स्वागत करता हूँ एंकरिंग के लिए, और कृपया करके आए और आगे की एंकरिंग का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भाई आपको। और पहले हमारी बड़ी बहन जो कंचन लता दीदी है वो आए। जी, मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, बुलंदशहर में रहती हूँ, और पिछले करीब 4-5 माह से मैं निरंतर पीपल से जुड़ी हूँ, उसकी एक इकाई के रूप में काम करती हूँ। मुझे ये मंच बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जो भी सर ने कहा था, ज्ञानदास जी ने एक बात कही थी कि मतलब जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ काम करते हैं, तो अक्सर उनमें क्या खींचतान होती है कि वो उसको ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है और आदमी परेशान होने लगता है ना, और वो फिर क्या चलने चलने लगता है कि मैं इससे आगे निकलूं, इससे ज्यादा वो क्या करते हैं, मैं इसको जो आगे जा रहा है उसको पीछे खींचू। लेकिन हमारे वी द पीपल में ऐसा नहीं है। हम अपनी जितने भी साथी हैं जो अपने दिल से, जिन्होंने आत्मा की गहराइयों से इसको आत्मसात किया हुआ है इसके कॉन्सेप्ट को, तो वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। वो सब परस्पर एक दूसरे की प्रतिभाओं का, उनकी दक्षताओं का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे की ताकत का, और हम उसी दिशा में एक बहुत बड़े विस्तृत संघ के रूप में आकार लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, आप बताएं सर्वेश कुमारी जी, अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं सर्वेश कुमारी जाटव कानपुर से हूँ, और मुझे वी द पीपल में ज्वाइन कराने वाले हमारे सर जी ओजीडी निरंकारी सर हैं, और मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। उसके बाद में सर, मुझे वी द पीपल का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी लोग एक नॉर्मल पर्सन की तरह हैं। और इस पे जो काम का है, अभी हम लोग का जुड़ना और जोड़ने का काम चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे सीनियर्स से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जितने भी सीनियर्स भाई हैं या बहनें हैं, सभी लोगों से हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से हम समाज में जमीनी स्तर पर जुड़ के हम काम करें, और जो जहाँ पर है वो वहाँ से काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना, अब हम लोग है जमीनी स्तर से जुड़ के काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में है तो वो ऑफिस से काम कर रहा है, तो जो जहाँ पर है वो वहाँ से काम कर रहा है, तो वो अपने समाज के लिए अगर काम को जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि अरे वो अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष है, भाई उनकी ज्यादा वैल्यू है हमारी कम वैल्यू है, नहीं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो लगता है कि क्या है, लेकिन ऐसा वी द पीपल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है, और हम भी यहाँ पर वी द पीपल के ही कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ काम कर रहे हैं अपने कानपुर में। हमारे राधे श्याम भारती जी हैं, शैलेंद्र कुमार जी हैं यहाँ पर, और भी हैं, डॉक्टर वीरेन जी हैं, तो सभी लोग हम लोग हैं यहाँ पर। तो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग काम के लिए है, तो अभी तक हम लोग भटके हुए थे कि बहुत सारी समितियों से जुड़ के काम कर रहे थे, लेकिन वही चंदा और धंधा वाला काम आके रुक जाता था, और जो वी द पीपल का काम है वो चंदा और धंधा और सभी से दूर है, क्योंकि ना एक ये लगा कि हमें एक परिवार के तौर पर है, घर में अगर 4 बच्चे हैं चारों बराबर हैं, उसी तौर पे यहाँ पर भी हम लोग सभी लोग एक बराबर हैं। बस यही है कि इसी तरीके से काम को हम करते जाएंगे, वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, और खासकर हम अपनी महिलाओं के लिए काम करते हैं तो महिलाओं को बहुत अच्छे से उनको जोड़ रहे हैं, और जुड़ के अपना एक जो हमारी टीम तैयार हो रही है, अभी तो पूरी रूप से नहीं तैयार हो पाई है, लेकिन जब हमारी टीम पूरी तैयार हो जाएगी तो हम अपनी पूरी टीम के साथ में वी द पीपल में ज्वाइन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, परिचय को आगे बढ़ाती हैं। ये हमारे साथ में सविता सिंह अम्बेडकर जी जुड़ी हैं, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दीजिए प्लीज। अभी मैं तक महिलाओं की बारी नहीं आई है, हम आपका स्वागत करते हैं। जी, जय विनोद है मैडम। जी, मैं एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से, और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, और वी द पीपल के मीटिंग से लगातार जुड़ती रहती हूँ, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा बात जो इसमें यह है कि
इस ये एक संघ है और इसमें कोई मुखिया नहीं है और हम लोगों ने संविधान को ही अपना मुखिया माना हुआ है। तो हम चाहे किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो अलग अलग संगठन के मुखिया होते हैं वो एक दूसरे की अधिकारिता जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, कोई किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए हमारे जो संगठन है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वीदा पीपल जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है और हम सब लोग इससे जुड़े और लोगों को जुड़े, बस मैं ये कहना चाहूँगी। सविता बहन जी, आप एडवोकेट भी हैं और टीचर हैं, कैसे मतलब? जी सर, एडवोकेट आप बाई प्रोफेशन हैं और टीचिंग? नहीं, मैंने मतलब एलएलएम करा हुआ है और अच्छा, इसलिए एडवोकेट लगा रहे हैं। जी, प्रैक्टिस मैं नहीं करती हूँ जी, क्योंकि इससे ये लगता नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एडवोकेट हो कोर्ट में किसी में। जी, प्रैक्टिस करके मैंने छोड़ दी थी एक्चुअली। जी चलो ठीक है, कोई नहीं, मैम अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स पे। ओके। और नीता नंदन जी हैं जी, नीता नंदन जी, हाँ अपना परिचय दीजिए प्लीज। नीता नंदन जी बुलंदशहर से हैं, शायद कई बार जुड़ती हैं हमारे साथ में, अपना परिचय देना पसंद करेंगी तो फिर प्लीज माइक अनम्यूट करें। सर्वेश कुमार जी, दो हैंड रेज ले लें शायद। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज। हाँ जी, मूक वक्ता बतौर ओपीएस जी, हाँ आपका हैंड रेज है सर, आप अपनी बात कहें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो जी सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू। मेरा एक ये काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसों से जो है आदरणीय हैं उनसे एक बात पूछूं कि आजकल एक नए संविधान का प्रारूप सोशल मीडिया में चल रहा है जी। तो अगर नया संविधान ये कोशिश करते हैं कि फोर्सिबली लागू कर दें इस देश में, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो हमें इमीडिएटली कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, हमारा संघ जो बनेगा या आने वाले समय में हम कैसे फेस करेंगे उसको, तो उसके बारे में एक समिति गठित कर दी जाए आप जैसों के जितने भी अपने सीनियर एडवोकेट्स हैं उनकी, और वो उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, कंपेयर कर लें ओरिजिनल संविधान को और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, मतलब चाहे वो मनुस्मृति पे किया हो चाहे वो। सर आवाज बहुत कम आ रही है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी हाँ, तो रामायण महाभारत पे या सो कॉल्ड जो भी इनके जो है ना साहित्य है इनका, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये लागू करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इमीडिएटली, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, एक समिति 11-15 लोगों की बना के उस पर रिसर्च करना शुरू कर दें, और भाई आगे हम वर्ल्ड कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, या उसको आप ये सोचे कि भाई अगर हमारे समाज पूरे देश पे अगर असर पड़ेगा तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा फ्यूचर का, वो जरा सोच लें थोड़ा सा उस पर अमल करके। तो सोचा हुआ है, एक दिन अपना फिक्स कर लें सर। मूक वक्ता जी, अलावा साहब सोचा हुआ है वो। जी जी, हमारी पिटाई होगी, हमारे नेट बंद हो जाएंगे और जो भी आदमी जाएगा उसकी ठुकाई होगी, क्योंकि लोग ना संघ में आने को तैयार नहीं है, अपने संगठनों से बड़ा लगाव है उनको, जो उनके 28 लाख संगठन है, और वो सारे संगठन जो गली मोहल्ले के हैं वो सब भाग जाएंगे अपने अपने घरों में हो जाएंगे, और सारे के सारे वो आपको ब्लेम करेंगे और वो आपको कहेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं कहा कि आप इकट्ठे हो जाते तो हम बच जाते। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो हम तो जो वीदा पीपल के लोग हैं वो कम से कम इस बात के लिए अफसोस नहीं करेंगे कि उन्होंने कोशिश की, कोशिश नहीं की उन्होंने। और ये बात बहुत पहले बड़े संगठन के जो लोग इकट्ठे हुए थे उन सब में मैंने कहा था कि तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है कि अगर रात के 8 बजे तुम्हारी कोई अगेंस्ट में कोई बात आ गई संविधान के हिसाब से, तुम घर के बाहर भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं है, तुम पड़ोसी को भी नहीं जानते, औरों की तो बात छोड़ो। हाँ जी, और तुम्हारे नेट बंद हो जाएंगे, फोन बंद हो जाएंगे, तुम बात भी नहीं कर सकते।
इसलिए सिवाय पिटाई के कुछ नहीं है, और वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी होगा वो मानना पड़ेगा। तो सर आप सही कह रहे हैं, तो मैं ये पूछना, थोड़ा कहना ही है बस, बस स्ट्रेटजी अपनी बना लें हम, ये था अपना थोड़ा। नहीं बस स्ट्रेटजी तो एक ही है बस, और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी यही कहती है जोड़ो जोड़ो, फिर आपको कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल और क्या बोलते हैं स्टेट में, वो चीज लागू ही नहीं होगी जो आपके अगेंस्ट में है। अगर आप इकट्ठे हो जाते हो तो आपके अगेंस्ट में जो पहले भी जो चीजें हुई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और अभी यहाँ नेतागिरी करते रहे लोग कि मेरा संगठन, मेरा ये और मेरा संगठन तो बहुत बढ़िया, और अपने अपने संगठनों को बहुत बढ़िया उसे कहते रहो, और किसी की बुराई मत करो तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, चिंता ना करो सबका। मगर वी द पीपल के लोगों को अफसोस नहीं होगा, वी द पीपल के लोग जानते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो उन्हें अफसोस नहीं रहेगा कि उन्होंने किया नहीं। थोड़ा सा उसके बारे में कभी एक दिन रख लें चर्चा के लिए, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट है अपना। इससे भी आगे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगले 30 साल के अंदर भारत के अंदर हर क्षेत्र में मशीनें आ जाएंगी, और सारा काम मशीनों से होगा, और लेबर और मजदूर जो हमारे लोग हैं उनके लिए काम ही नहीं होगा, ना प्राइवेट में होगा ना गवर्नमेंट में होगा, और वो भूखे मरेंगे और करोड़ों मरेंगे भूखे। ये बड़ा प्लान है जी। जी हाँ, ये तो इंटरनेशनल लेवल का काम भी है जी, ये तो पहले से इसी से पता चल जाता है। अभी लोग हमारे, अभी लोग हमारे ना बेवकूफों जैसी हरकत कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही, उनको लगता है कि उनके पास जमीन है, जायदाद है, उनके पास किराया आया है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, सब खत्म हो जाता है जब जिसका समाज मरता है, उसकी सब चीज चली जाती है, उसके बच्चों को खींच खींच के मारा जाता है। जा रही है सर, हर दिन का काम है, जा रही है, उन पे जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं पड़ोसी, उनको निकल। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा, अभी लोग इसी बात में अटके पड़े हैं कि मुझे कम टाइम दिया, मुझे पोर्टल पे ज्यादा दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा चेहरा नहीं आया, मुझे भगा दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। जब आदमी संघ से ज्यादा अपना अहम रखे, संघ से ज्यादा अपनी इज्जत रखे, लोगों के समूह से बड़ा अपने आप को रखे, उसका हश्र और उसका जो आखिर है वो ही होता है कि आखिर में वो मारे जाते हैं, सड़ के मरते हैं, ऐसा ही प्रकृति कहती है, ऐसे नियम है। अलावत साहब आप थोड़ी आवाज तेज तेज रखा करो और थोड़ा एक्टिव हो, जो आप ये बात कर रहे हो कमेटी वमेटी जो बना रही है, थोड़ा सा उसमें कोई योगदान दे सकते हो उसमें दे। हाँ जी ठीक बात है। और नहीं तो ये जैसे अपने जेपीएस अम्बेडकर जी भी अभी कह रहे थे, तो अभी तो यही इस इन चीजों से जो है ना कन्विंस्ड नहीं है ये, और लोगों को फिर जो इनके साथी है या अन्य संगठन है उनको कैसे कहेंगे अभी तुम संगठन खत्म करके संघ बनाओ। वो आना नहीं चाहिए, वो अभी तो ठीक है यहाँ आते हैं लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं है, वो अभी भी उसी उसमें उलझे हुए हैं कि बस संगठन अच्छे होते हैं, मेरा संगठन अच्छा है, उसी ऐसे ही हो, दूसरे संगठन वाले बात करते हैं जी, जी, तो संघ की जो माइंड में जो क्लियर नहीं हो रही है तो फिर कैसे बात बनेगी ना। सही बात है, वो अटके हुए उसमें, उनको आना पड़ेगा और जरूर आना पड़ेगा। और मेरा ये सुझाव, वो नहीं समझ रहे कि संगठन सही है, कोई नहीं कह रहा मना, वे अब तक रोल था वो ठीक है, हम सभी यही तो कह रहे हैं अब तक ठीक था, सेचुरेशन होगी, अब जो उनको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए, अपने अपने अहम और संगठन की बात छोड़ के और इकट्ठे हो जाएं, स्वार्थ खत्म करें, वो कर नहीं रहे, अभी भी मन में यही बनाए बैठे बस, हम है हमारा संगठन सही है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं कि नहीं क्या पता, तो ऐसे सभी सोचते हैं फिर, ये ऐसा थोड़ी कि एक जेपीएस अम्बेडकर जी अपने संगठन की बात सोच रहे हैं, सारे संगठन ऐसे सोच रहे हैं। नहीं, कई बार अभी अच्छा काम कर रहे हैं हम मान रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पर इकट्ठे एक ही काम तो नहीं कर रहे, इकट्ठे होने वाला वो काम चाहिए इस टाइम, अच्छे काम किए वो कर लिए बिल्कुल, और जुड़ना चाहिए वो। अब सर मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार जो अभी जो एट्रोसिटी चल रही है उनके लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं, केस लड़ते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, समाज के लिए त्याग भी कर रहे हैं लोग, बहुत जागरूक हो चुके हैं। ये चीजें खत्म हो जाएगी अगर इकट्ठे हो जाए वो संगठन, एक ये शो कर दे भी हम इकट्ठे हैं, किसी भी शहर में इतने संगठन है, तो ये जो अत्याचार या जुर्म जातियां हो रही है होएगी नहीं ना। अब तो वो तो कर रहे हैं, हम पीछे पीछे अपने घूमते रहते हैं, सारी एनर्जी उसी में लगाए जा रहे हैं। जी जी मैडम आगे, जीरो आवर में ले लेंगे, ठीक है।
इंजीनियर आर एल सिंह जसरानी जी का हैंड रेज है सर। इंजीनियर धन्यवाद आपका, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय रमा भीम थे वो शायद निकल गए उनका दो। जय रमा भीम रहना चाहिए था। हम बोलू मैं? बोलो बोलो। जय रमा भीम। पहले तो मैं अभी जो सज्जन जो प्रश्न उठाया है बड़ा प्रश्न है और समसामयिक है और इस पे हमें करना चाहिए, और सुधीर राज जी ने जो इसका जवाब दिया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी संबंध में मैं सबसे पहले तो ये थोड़ा सा एक दोहा पढ़ देता हूँ कि निवलन काहू सो डरे, निवलन काहू सो डरे जाको सबल सहाय, निवलन काहू सो डरे जाको सबल सहाय, सरकस को बकरा धरे सिंह शीश पे पाए, सरकस को बकरा धरे सिंह शीश पे पाए। तो ये तो रहा उसके बारे में कि हमें जुड़ना चाहिए। अब एक चीज जो थोड़ी सी सुधीर राज जी से भी मैं कहूंगा, जो वो भी करता नहीं कह देता हूं कि बुद्धि वही जो समस्यन को हल, बुद्धि वही जो समस्यन को हल देश उलझाए समाज उठावे, बुद्धि वही जो समस्यन को हल देश उलझाए समाज उठावे, शक्ति वही बलहीन को अपनो बल दे बलवान बनावे, शक्ति वही बलहीन को अपनो बल दे बलवान बनावे, ज्ञान वही जो अजानन को, ज्ञान वही जो अजानन को डर तामस के नव ज्योत जगावे, आदरणीय बड़प्पन सो लघुते लघु को जो ये निपटावे। तो ये तो इसका उत्तर था, और आज चूंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल रखा था लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं। हेलो जी, मैं काफी हो गया जी सर। जी सर शॉर्ट में बताइए जी सर। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ तो लोग जानते हैं, इसके मंडल 18 हैं और जनपद 75 हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसकी जो जनसंख्या है करीब 20 करोड़ है। अब आया जो मेन चीज है जिसको के जिसके बारे में सभी लोग चिंतित हैं और जो अभी 5-6 महीने बाद आने वाला है कि यहाँ पर एमएलए चुने जाने हैं, तो एमएलए की संख्या जो है यहाँ पर 405 के करीब है और 100 है शायद एमएलसी। लेकिन इस जनसंख्या जो हमारी 20 करोड़ है इसके हिसाब से हम पड़ोसी देशों की जनसंख्या को देखते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश हैं, तो बांग्लादेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम यहाँ एमपी निकालते हैं तो एमपी तुम्हारे 80 है, और यहाँ पर बांग्लादेश की जनसंख्या के हिसाब से निकालते हैं 435 एमपी हमारे उत्तर प्रदेश को मिलने चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से निकालते हैं तो 342 उसके अपने हैं और 342 में 387 हमारे होने चाहिए। इनका जो एवरेज भी लें तब भी चार हमारे 411 के करीब आता है, इसमें लंका एक और प्रदेश आ जाता है पांचवीं नेपाल। तो इस तरह से हमारे ये जो जनसंख्या, ये तो एमएलए की जनसंख्या आती है रिप्रेजेंटेशन, और हमारे एमएलए हैं बहुत कम, तो इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही एमपी जो है हमारे चाइना के मुकाबले भी कम हैं, एमएलए एमपी भी हमारे जो बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इसकी मांग हमें अभी से करना चाहिए। जब एमएलए और एमपी हमारे बढ़ेंगे तो हमारे जो तबका है उसके भी एक तो वो निर्णायक होगा किसी को जिताने में, क्योंकि आज जो हमारे वोट जो आज जो सरकार है वो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल नहीं है, फॉर द पीपल है, ईवीएम से जैसे भी वो करा दी, जनता के लिए सरकार है, जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, और जनता के द्वारा जब तक सरकार चुनी नहीं होगी तब तक आपका कुछ वो ही कोई काम नहीं बनने का है, चाहे हम सत्ताधारी हो चाहे कोई और सत्ताधारी हो। तो जैसे ही ये संख्या बढ़ती है, जैसे संख्या बढ़ती है, अपनी बात को संक्षिप्त में रखें क्योंकि बहुत ढेर सारे साथी हैंड रेज हैं। अच्छा ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इस पर भी हमें मांग करना चाहिए
जय जय रमा भीम नमोदय, आपने समय दिया, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मनीषा निगम जी आपका हैंड रेज है, शॉर्ट में प्लीज आप अपनी बात कही। नमो बुधाय। नमो बुधाय, जय भीम। कैसे हो सर्वेश जी, बहुत दिनों में नजर आ रहे हो। जी मैम, अभी दो तीन दिन से तो कंटिन्यू है, क्योंकि अभी 15 दिन से तो बहुत बीमार थे थोड़ा बीमार थे, थोड़ा बाहर निकलना हो गया। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे को दिल्ली और एनसीआर के लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, जो हमारी 17 तारीख को बुद्धा गार्डन में जो पिकनिक परिवार मिलन समारोह का जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घर परिवार पड़ोसी रिश्तेदार सभी को आने के लिए कन्विंस करें, और सभी जो विधा पीपल के जो लोग हैं हमारे दिल्ली के और एनसीआर के, सभी प्लीज अपने आसपास के लोगों की जो सब आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और वो लिस्ट जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है उसमें कृपया करके डालें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पड़ोसियों को सभी को लाने की कोशिश करें, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही हमारा सक्सेसफुली हमारे विधा पीपल की जो ये पिकनिक है वो कामयाब होगी। और ये हमने सिर्फ इसीलिए सोचा है कि दशहरा का जो टाइम होता है उस टाइम पर हम लोग बाहर नहीं निकलते, या हमारे बच्चे को हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं, और हमारे बच्चे जो मायूस हो जाते हैं ये देख के कि बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे बच्चे हम लोग एक तरह से नेगेटिव ना सोचें या हमें नहीं जाने देते, तो उस तरह से हम उन बच्चों को हम अपने बच्चों को बाहर ला के इंजॉय कराएं, उन्हें बाहर का माहौल दिखाएं, और सबसे नए बच्चों से मिलेंगे, नए फैमिली से मिलेंगे, तो हमारा भी एक और जो हमारी संस्कृति है हमारे सम्राट अशोक जी की, जो हमारे विजयदशमी जो थी सम्राट अशोक जी के उनके जो लड़ाई लड़ी थी उसके जीतने की खुशी में मनाई जाती थी, उसको इन्होंने कन्वर्ट करके अपने दशहरा के रूप में इन लोगों ने मना दिया है, शुरू कर दिया, उससे हमारे बच्चे अपने मन में गिल्टी फील ना करें या अपने आप को उदास ना करें, इसलिए हम ये पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। और एक ये विधा पीपल की तरफ से एक नया कुछ इतिहास में नया कुछ करने की कोशिश की गई है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताएं और लिस्ट बना के इसमें डालें कि कितने लोग आ रहे हैं, और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सारा कुछ संभालने का जो कार्य जिम्मेदारी है वो सारी महिलाओं के ऊपर आ गई है, तो मेरी सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाएं, और प्लीज महिलाओं की जो लिस्ट है जितनी महिलाएं हैं उनके वो ग्रुप में डाल दें प्लीज कृपया करके, ताकि मैं उनके नाम नोट कर सकूं और लिस्ट बना सकूं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये सब हमारे पूरे देश के लिए विधा पीपल के लोगों के लिए है कि वो जहां भी हैं जैसे भी हैं जितने परिवार मिल सके जितने लोग आ सके वो भी वहां पर इस तरह का आयोजन करें, और एक विधा वी के नाम से अपना एक बैनर लगा के आप उसको आयोजन को वहां पर कर सकते हैं, जितने लोग आए जितने भी, क्योंकि एक नया संदेश हम लोग देने जा रहे हैं समाज को, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग चाहे दो परिवार आप लोग एक जगह मिले चाहे चार परिवार मिले अपनी विद फैमिली के साथ आए, विद फैमिली के साथ बैठे बातें करें, क्योंकि हमारे आपस में बच्चे मिलेंगे एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे भी, और अपना घर का अपना खाना घर से लाना है, पानी भी घर से लाना, दरी वगैरह सारा जो अरेंजमेंट है जो आपको चाहिए उस दिन एंजॉय करने के लिए वो सब आप अपने घर से लाना है, किसी दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपके पास कुछ लोग और एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आप दो बंदों का खाना और साथ में एक्स्ट्रा लेकर आए जी, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सभी पूरे देश में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपनी फोटो खींचकर ग्रुप में जरूर डालें किसने कहां पर क्या है ये प्रोग्राम किया है कितने लोग आए जो भी है, तो वो फोटो जरूर निकालें उसकी और ग्रुप में जरूर डालें जी, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, साधु 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 साधु। भारतीय जनमत टीवी आपका एंट्रेज है, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, मेरे एक क्लेरिफिकेशन देना था अगर इजाजत हो तो, ये जो मैंने संख्या बताई थी वो एमपीज की बताई थी 411 एवरेज जो है, और इसके 9 गुना 8-9 गुना जो है एमएलए की संख्या 3700 आती है, थैंक यू, जय जय रमा भीम जी सर, बोलिए भारतीय जनमत सर बोलिए।
हेलो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। विद पीपल्स में इतने सारे लोग जुड़ते तो रोज है, इतने किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़ते नहीं है, इसके लिए ये अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है। देखिए एक टाइम पे 150-200 लोग वन टाइम जुड़ते हैं, ये अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन क्या होता है, जुड़ते हैं लेकिन बाद में कुछ दिन के लिए नहीं जुड़ते हैं, बाद में कुछ दिन बाद जुड़ते हैं, तो उससे कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को। कि अपन ऑफलाइन लोगों को कॉलिंग करना चाहिए, उन लोग को कुछ प्रोग्राम देना चाहिए, या फिर इंटरनल जो भी स्टेट वाइज है वहाँ पे कोई किसी को एक हेड बना के उसको इंटरनल ऑफलाइन प्रोग्राम देना अभी जरूरी है। क्योंकि जुड़ने से तो लोग जुड़ने वाले हैं, अभी इतने सब लोग एक साथ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो 200 के 250 के ऊपर लोग जुड़ते नहीं है, लेकिन इतने सब लोगों को जुड़ने के लिए ऑफलाइन भी अपने को कुछ इसके बारे में सोचना होगा। जी सर, वो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहे हैं, आप अपने नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, आपसे बात कर ली जाएगी, डिस्कस कर लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। सर यहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता है, एक्चुअली यहाँ पर हम सिर्फ पर्चे ही लेते हैं, बाकी हमारे काम चल रहे हैं। अभी हम 6 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, 6 से 8 हमने OPD करी थी अपने डॉक्टर्स को बुलाकर, और अलग भी है हमारे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग गांव में भी जा रहे हैं, है ना, उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली जुड़ नहीं पाते हैं तो उनसे हम लोग पर्सनली बात करते हैं जाकर, ऐसा नहीं हम लोग काम कर रहे हैं और आपसे लोग बात कर लेंगे। जी सर आपका सुझाव हमने नोट कर लिया, लेकिन आप अपना नंबर डाल दीजिए। लेकिन जो भी पुराने साथी है जो सारे पहले एक्टिव होते थे जिनको देख के लोग जुड़ते थे, वो लोग थोड़ा सा एक्टिव नहीं है अभी। तो क्या होता है कि लोग हर एक को एक मेक को जुड़ देख के उनके कुछ बातें सुन के जुड़ते जाते हैं, वो लोग जो भी पुराने हैं, मैं तो सबको जानता हूँ, लेकिन सब लोग जुड़ना चाहिए, लोग कुछ ना कुछ रोज नए टॉपिक पे उन लोग ने भी बोलना चाहिए कि लोगों को लगे कि उन लोग भी ये साथ में है, खाली जुड़ने से कोई मतलब नहीं, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर। दीदी कुछ बात हम भी रखना चाहते हैं, कि अभी परसों ही हमारे यहाँ पे देखे लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है किसानों के लिए। हमने 2 लाइन लिखी है जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुझे दूसरों से अच्छी लगती हैं, कुछ अपनी भी भावनाओं को लिखते हैं, कुछ दूसरों को भी हम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सभी लोग कोई ना कोई किसी ना किसी गाँव से जुड़े हुए हैं, जो दर्द भरी घटना घटित हुई है उसको देखते हुए तो दिल एकदम कहते हैं कि ऐसा ना हो। अब ना ही हम यहाँ किसी सरकार के बारे में किसी बात को कहेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये हमारी पब्लिक को समझना चाहिए कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, किस तरीके से क्या काम करना है। तो कुछ लाइनें हमने लिखी है, समझ जाओगे किसानों का दर्द, ये इसका एक शीर्षक है कि समझ जाओगे किसानों का दर्द, समझ जाओगे किसानों का दर्द, एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो, समझ जाओगे किसानों का दर्द, एक बार खेतों पे हल चला कर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगा कर तो देखो, कभी जून की धूप तो कभी दिसंबर की जाड़ में, एक बार खेतों में जाकर तो देखो। हम लोग घर में रहते हैं, AC में रहना रहता है, सभी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन एक किसान जो पिछले 9-10 महीने से बॉर्डर पर है, तो उन सबको देखते हुए और कल जो परसों घटना घटित हुई ये सब चीजें देखते हुए, तब हमने ही कहा है कि कभी दोपहर के 2 बजे तो कभी रात के 3 बजे एक बार सिंचाई के लिए मोटर चलाकर तो देखो, कभी कंधों पे 15-15 लीटर की टंकियां लिए एक बार खेतों में स्प्रे चलाकर तो देखो, कभी मौसम की मार से तो कभी नकली बीज खाद और दवाइयों के व्यापार से, कभी बीमारी कीड़े के वार से, कभी फसल लुटा कर तो देखो, कभी किसानों को कभी समझ जाओगे किसानों का दर्द, कभी एक बार खेतों में आकर तो देखो। ऐसी आगे हमारे बीच में जी और हमारे बीच में अर्चना गौतम जी हैं, दीदी जरा उनको आप बुलाइए, अर्चना गौतम जी हैं। अर्चना गौतम जी अगर आप मेरी बात सुनिए तो कृपया अपना माइक कन्वर्ट करें।
सर्वेश जी, हमारे कुछ डॉक्टर साथी जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ अगर थोड़ा सा उनका परिचय हो जाए। जी 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 डॉक्टर स्वामी जी, आर्य स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी जी। हाँ जी मैम, जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों का परिचय करवा दीजिए सर। डॉक्टर शरद मोरे जी सर। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय मैम। जी जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। जय संविधान सर। मैम मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चूंकि समाज के कल्याण के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर के आपस में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समर समाज का कैसे कल्याण हो, इसमें बीच बीच में हमारे कुछ साथी थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं जिसको लेकर के हम लोग उस पर बात करने लगते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखें, इसको इग्नोर करें। जैसे अभी जेपी सिंह अम्बेडकर साहब जी की बात को लेकर कुछ बातें हुई, उसको अन्यथा न ले। मैं जेपी सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जेपी सिंह सर से विशेष कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको अन्यथा न ले, क्योंकि वी द पीपल में हम सभी समण समाज के दशा दिशा को कैसे सुधारें, इसके लिए हम सभी मिलकर द्रवित व्यथित होकर सभी के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का प्रयास सराहनीय है, क्योंकि हम सब कुछ करने का प्रयास करेंगे तो गलतियां होंगी, क्योंकि भूल चूक में हुई गलतियां इस बात का प्रमाण है कि हम सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल सही मुहिम सही दिशा में अपने मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये वास्तव में एक बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपनी बात को इस बातों से, इन कुछ दो शब्दों से मैं समाप्त करूंगा। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो हम लोग एक दूसरे के काम आते रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। थोड़े में बहुत कुछ कह दिया सभी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।